अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। वालेकुम वालेकुम सलाम। अस्सलाम। म्यूजिक यस मैम। विजिबल है। तो सबसे पहले ये है कि हम अपना जो प्रीवियस है उसको थोड़ा बहुत रिवाइज कर लेते हैं। तो फिर हम मैम आयशा आई थिंक उस वक्त ज्वाइन कर लेंगे तो वो कंटिन्यू कराएंगी। अच्छा, आप में से कोई भी हम दोबारा से इसको रिवाइज कर रहे हैं आइडेंटिटी ऑपरेटर्स को, कोई भी रिवाइज करवाना चाहे आप में से, आप लोगों ने प्रैक्टिस किया इसे? यस मैम। कौन से सोर्स आपने यूज किया था इनको प्रैक्टिस करने के लिए? हम रैप लिट भी करते हैं और ये कोलैब वाला इस पे भी कर लेते हैं जो आप डेली का कराते हैं। फिर जो अच्छा, क्वेश्चन है वो कोलैब। रैप लिट पे कर लेती हूँ। हाँ एग्जैक्टली, कोलैब वाले भी तो आपने देखे ना क्या इशू आ रहा है हमें, फिर हमने उसको रेपलेट पे भी और जो ऑनलाइन। वो जाता हाँ जी, इनमें कोलैब में ना बहुत सारा मेरा रहता है, उधर और आंसर रहता है उधर और, इसलिए फिर रैपलेट पे ज्यादा करती हूँ। हाँ ओके, बहुत अच्छा किया आपने। अच्छा, तो फिर ये है कि चलिए अच्छी बात है कि आप लोग जो है साथ में प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन ये चीजें फिर वो यही बात है ना कि यहाँ पे थोड़ा बहुत इश्यू आ जाता है तो हम वहां से प्रैक्टिस करके हमें पता चल जाता है कि अच्छा क्या एरर आ रहा है बेसिकली। तो अभी आप में से कोई भी रिवाइज करना चाहे इस टॉपिक को, आइडेंटिटी ऑपरेटर्स को, तो प्लीज काइंडली आप लोग करवा सकते हैं। हाँ जी, कोई भी। मैम सालिहा, आप रिवाइज करवा दें। आई थिंक वो अवेलेबल नहीं है, तो सर कासिम माफ करवा दें ये आइडेंटिटी ऑपरेटर्स के बारे में, आप जी हमें मैम, मैं बता करवा दें। देता। जी सर, आइडेंटिटी ऑपरेटर दो किस्म के होते हैं, एक इज होता है और एक इज नॉट होता है। ये हम यूज करते हैं कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स या वैल्यूज को आपस में कंपेयर करने के लिए कि वो एक दूसरे के इक्वल है या नहीं। इसमें वो उनकी मेमोरी लोकेशन या मेमोरी एड्रेस को देखता है, अगर वो सेम हो तो वो हमें ट्रू आंसर देगा, अदरवाइज वो हमें फॉल्स देगा। जिस तरह ये पहली एग्जांपल है, ए इज इक्वल टू 10.1, ये फ्लोट वैल्यूज हमने दी हुई हैं और नीचे हमने प्रिंट में इज यूज किया है जो आइडेंटिटी ऑपरेटर है, और इससे हम चेक करें कि ये दोनों वैल्यूज का जो मेमोरी लोकेशन है या एड्रेस है वो सेम है या नहीं है। क्योंकि ये सेम वैल्यूज हैं तो इसका एड्रेस वैसे सेम होना चाहिए, यहाँ पे ये फॉल्स आ रहा है, रेपलेट में ये ट्रू आता है। देखिए नीचे सर हमने ये आईडी हमने प्रिंट विकल्प। करके देखी है यहाँ पे। क्यों जी सर बताएं आप। जी मैम, जी सर ये बताएं रेपलेट में आप। मैंने चेक किया, वहाँ पे ट्रू आता है। और मैम ने जैसे वो पहले बताया था मैं कि -5 से 256 तक जो वैल्यूज हैं उनका मतलब हर दफ़ा वो सेम आना चाहिए, लेकिन वो रेपलेट पे मैंने चेक किया वो हर दफ़ा डिफरेंट आ रहा है। वही जो आपने बताया था Python 3 का, शायद उस वजह से कि वो अब अपडेटेड हो गई है लाइब्रेरीज। यस सर, सर जैसा कि कल हमने डिस्कस किया था इसको, तो बेसिकली कोलैब को अच्छे से, कि कोलैब जो है वो मैंने बताया था कि जैसे ओल्ड जो लाइब्रेरीज हैं पाइथन की वो यूज करता है, और जो कोलैब जी जो जी सिंपल कोलैब हम गूगल यूज करते हैं। अगर हम कोलैब प्रो यूज करें तो वो जो रिसेंट Python 3 की जो न्यू लाइब्रेरीज हैं, जो न्यू वर्जन है उसको यूज करता है, तो ये बेसिकली वो पिछले फंक्शंस पे ही वर्क कर रहा है। असल में ये गलत नहीं है, लेकिन ये ओल्ड है तो इसलिए वो उसकी पिछले, अभी जो है उसमें एडवांसमेंट हो गई है Python 3 में, बहुत सारी चीजें इंप्रूव हो गई है। तो अब क्या है वो जो यूनिक फीचर्स थे उनकी हमें क्या है कि न्यू आईडी मिल जाती है हमारे पास, जो डिफरेंट ऑनलाइन दूसरे कंपाइलर्स हैं तो वो जो है वो अपडेटेड हैं, तो वो हमें एक्चुअल वैल्यूज दे देते हैं। तो ओके, ये मतलब आइडिया हो जी गया कि हमें आंसर ट्रू आना चाहिए और इनकी आईडी भी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो
हम नेक्स्ट पे मूव कर लेते हैं सर। इस एग्जाम के बारे में आपका क्या ख्याल है, ये सेकंड वाले के बारे में? सॉरी सर, इसके बारे में क्या आना है? इसका फॉल्स आना चाहिए, ट्रू आना चाहिए, क्या आना चाहिए? अगर आप इसको ड्राई रन करवा दें, बता दें इसको, एक्सप्लेन करके थोड़ा सा। मैम ये वैल्यूज डिफरेंट है इसलिए इनका डिफरेंट आना चाहिए, तो ये फॉल्स ही आएगा। जी सर, सर मेनली रीजन यही है ना कि हमने यहाँ पे बेसिकली कहा है ए 10 इंटीजर है, एक है दो वैल्यू है, और दूसरे में हमने क्या दिया हुआ है, स्ट्रिंग दी हुई है। तो स्ट्रिंग वैल्यू दी हुई है। एग्जैक्टली, तो ए इज बी, वो हमें फॉल्स ही देगा और उसका जो आईडी है वो भी डिफरेंट हो जाएगा। ठीक हो जी गया। ओके, डिफरेंट। थैंक यू सो मच सर। मैम नेक्स्ट इसमें कोई भी? जी जी सर इसमें पूछें। इसमें पहले ये होगा कि जो है पहले जो आपने एक दफा बताया था -5 से 255 जी वाली वो एस की कैरेक्टर्स वगैरह की बात की थी आपने, उसमें ये था कि वो पहले जो है वो मेमोरी लोकेशन, इसमें मैं वैसे ऐड कर रहा हूँ एक चीज कि वो पहले मेमोरी लोकेशन जो है वो फिक्स रखता था इनके लिए, लेकिन अब उनके लिए जी भी सर उसने मेमोरी लोकेशन जो है ना वो टेम्पररी कर दी है। इसलिए ये होता है कि जब भी आप इसको एग्जीक्यूट करते हैं यानी रन करते हैं तो हर दफा वो उस वेरिएबल के ऊपर जो आपने जो वैल्यू स्टोर की हुई है उसके लिए एक टेम्पररी जो है ना वो प्लेस जो है ना वो एलोकेट कर देता है। तो इसलिए हर दफा जो है एड्रेस चेंज होके आता है जब भी उसको रन करते हैं, कंपाइलर को चलाते हैं तो हर दफा एड्रेस भी चेंज आता है उस वैल्यू का। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर, बिल्कुल। जो पाइथन की ओल्ड लाइब्रेरीज थी, और बेसिकली जो पाइथन एस का मेन लाइब्रेरीज थी सर, उनमें स्टिल यही चलता है कि वो यूनिक कैरेक्टर्स हैं और उनको सेम आईडी दी जाती है। लेकिन जैसे जैसे आप देख रहे हैं कि एडवांसमेंट होती जा रही है हर चीज में, तो अभी जो न्यू लाइब्रेरीज आती हैं पाइथन की, और जो डिफरेंट सॉफ्टवेयर दोबारा से अपडेट किए गए हैं अकॉर्डिंग टू पाइथन 3, तो उसमें इनको दोबारा से वो न्यू टेम्परेरी वैल्यूज जो है वो असाइन कर दी गई है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर हैदर, थैंक यू सो मच। तो कोई भी पाइथन स्ट्रिंग जो है उसको रिवाइज करवाना चाहिए। जी मैम मैं करवाती हूँ। पाइथन स्ट्रिंग्स के बारे में हमने पहले पढ़ा कि स्ट्रिंग्स जो है पाइथन में वो आइदर के वो हमारे पास सिंगल कोटेशंस में होते हैं या डबल कोटेशन मार्क्स में होते हैं। और स्ट्रिंग का ये फंक्शन होता है कि हमें जो उसका फंक्शन है वो हमें एज इट इज वो प्रिंट करवा देता है, जो चीज़ हम देते हैं उसको एज इट इज प्रिंट करवाता है। और हमने एग्जाम्पल में भी लिया है, वेरिएबल लिया है, उसमें हमने पाइथन जो है वो स्ट्रिंग्स में डबल कोटेशंस में लिया है, और जब हम उसको प्रिंट करेंगे तो हमें एज इट इज पाइथन जो है वो प्रिंट कर देगा। उसके बाद हमने वाई जो लिया प्रोग्रामिंग, उसको हमने सिंगल कोटेशन में लिया है चेक करने के लिए कि वो हमें सिंगल में भी हमें प्रिंट देता है वही आंसर या नहीं। तो हमने जब देखा उसका भी आंसर हमें प्रिंट जो है वो प्रोग्रामिंग एज इट इज प्रिंट कर दिया। उसके बाद हम इसको एक ही लाइन में दोनों को प्रिंट करना चाहें तो हम इसके लिए उनको प्रिंट का फंक्शन यूज करके एक्स और वाई को साथ लिख दिया, और उसने हमें जो है उसका प्रिंट कर दिया पाइथन प्रोग्रामिंग दोनों को एक ही लाइन में। तो हमारा इसका ये हुआ कि जो हमें स्ट्रिंग्स हैं वो हमें एज इट इज फंक्शन जो है वो हमें प्रिंट कर देता है, जो भी हम वैल्यू जो भी लिखते हैं उसमें। मैम अगर मैं पाइथन को रिमूव करके उसके जगह पे 8 कर दूं या कोई और इंटीजर कर दूं तो क्या वो फिर भी? जी मैम, इसमें अगर स्ट्रिंग में जो भी होता है हमें एज इट इज वो प्रिंट कर देता है ना। स्ट्रिंग की पहचान क्या है? डबल कोटेशन और सिंगल कोटेशन में जो भी वैल्यू हमें दी गया है, जो वैल्यू होगी कुछ लिखा होगा जो भी, तो हमें एज इट इज प्रिंट कर देता है, स्ट्रिंग का ही है। या अगर हम 8 लिखें कुछ भी लिखें वो भी तो हमें प्रिंट कर देता ना। और नंबर्स के लिए लाजमी नहीं होता कि हम उनको स्ट्रिंग्स में रखें ना रखें, उनको वैसे भी हमें प्रिंट कर देता है। हाँ जी बिल्कुल सही बता रही हैं आप, थैंक यू सो मच। अच्छा, उसके बाद हम नेक्स्ट पे चलते हैं कि हमारे पास यहाँ पे है मल्टी लाइन स्ट्रिंग। ये भी कराऊं मैम रिवाइज? हाँ जी, हाँ जी जरूर, आप करवाएं इसको, रिवाइज करवाएं। इसको ड्रॉप पर करें मैम, वहां से मैं रीड करूं। हाँ जी ये आ गया। मल्टी लाइन स्ट्रिंग ये है कि हमारे पास जो भी वेरिएबल, यू कैन असाइन अ मल्टी लाइन स्ट्रिंग टू अ वेरिएबल, हमें एक वेरिएबल दिया जाएगा कोई भी, तो हम इसको एक मल्टी लाइन स्ट्रिंग है, मीन्स कि हम उसको अगर सारे को हम वो करना चाहते हैं कि कमेंट करना चाहते हैं या उसी को एक लाइन में करना चाहते हैं, तो हम उसके लिए हम उसको 3 quotes में लिख देते हैं, तो हमारा वो पूरी लाइन जो है वो स्ट्रिंग में आ जाती है। जैसे हमने ऊपर किया वो एक सिंगल वर्ड था जैसे पाइथन, लेकिन हमने ये है कि यहाँ एक मल्टी लाइन है, तो उसके लिए हम उनको 3 quotes से करेंगे, सिंगल कोट से डबल कोट से, उससे हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी वो प्रिंट हो जाएगी। तो यहाँ हमारे एग्जाम्पल में भी है कि message1 हमने एक वेरिएबल लिया, उसमें हमने यहाँ लिखा है हेलो डियर आई एम लर्निंग पाइथन,
तो हमें उसने ये किया कि हमें उसको वहीं प्रिंट कर दिया। यहाँ हमने पाइथन को जो है वो डबल कोट्स में लिया, हमने इसको एक्सटिंग कर लिया, लेकिन ये कि हमने इसको थ्री कोट्स लिए हैं तो हमारे ये होगा ये मल्टी लाइन स्ट्रिंग है, लेकिन अगर हम इसको दो लेंगे तो वो एक स्ट्रिंग होता है, वो एक वर्ड होता है, तो उसके लिए हम वो लेते हैं, लेकिन यहाँ पर एक पूरी लाइन है तो उसके लिए हमने थ्री कोट्स लिए हैं, डबल कोट्स और सिंगल कोट्स, तो वो उसको प्रिंट कर देता है। मैम आपने सही कहा कि बेसिकली ये एक एक्चुअली हम एक लाइन के लिए भी हम डबल कोट्स यूज कर सकते हैं, लेकिन बात ये कि हमारे पास यहाँ पे एक आप प्रोमिनेंट वर्ड देख रही हैं पाइथन का, तो हमने क्या है ये इस पाइथन को ऑलरेडी जो है वो डबल कोट्स में लिखा हुआ है, तो अगर हम बाहर भी डबल कोट्स देते हैं तो हमारा जो लाइक हमारा जो ऑपरेटर है वो उसको एक्सेस नहीं कर पाता कि मेरी एक्चुअल स्ट्रिंग कौन सी है इसमें, तो वो यहाँ पे क्या कर देगा वो एरर दे देगा। तो मैम तो इसलिए इसलिए हम हम क्या करते हैं, उसको अगर हमारे पास फोर्थ पैराग्राफ है और यहाँ पे हमारे पास ऐसी हाईलाइटेड वैल्यूज हैं ऑलरेडी कोट्स में, तो हम क्या करते हैं हम मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स यूज करते हैं उसमें, जो क्या करते हैं हम ये जो थ्राइस है जैसे वो सिंगल कोट्स भी यूज कर सकते हैं और डबल कोट्स भी यूज और कर डबल सकते हैं। कोट भी बेसिकली यूज यहाँ कर पे ये सकते। कमेंट नहीं है, हाँ बेसिकली यहाँ पे ये कमेंट नहीं हो रहा, ये क्या है ये मल्टी लाइन स्ट्रिंग को एक्सप्रेस कर रहा है। यहाँ पे आप लाइक अभी ये तो मल्टी लाइन मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे एक लाइन है, यहाँ पे कोई भी आपके पास लाइक पैराग्राफ है उसमें डिफरेंट हाईलाइटेड वैल्यूज हैं, कहीं भी आपने वो किसी हमने चीज को असाइनमेंट में भी हाईलाइट करने के लिए क्वेश्चन सिंगल, सोल्व किया था मैम, इसमें भी था कि वो एक पूरा पैराग्राफ था उसमें से हमें एक लाइन हाईलाइट थी उसको हमने करना था, कमेंट करना था, तो उसमें भी हमने ऐसे किया था। हाँ जी वो कमेंट करना था तो हम उसको वेरिएबल भी नहीं दिया हुआ था। अब जहां पे आपने वेरिएबल दिया है और दोबारा से इसको आपने लाइक आपके पास एक पैराग्राफ है और आपने उसको देखिए आप सिंगल यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे अगर आपको बताऊं तो ये इस तरह से यूज कर सकता है ऐसे वैल्यूज को, देखिए अभी हम इसको रन करके देखते हैं। अब आप यहाँ पे देखेंगी अगर वैसे अभी क्योंकि अभी ये रन करने का टाइम ले रहा है, अगर आप इस स्टेटमेंट को देख लें तो बिल्कुल देखिए यहाँ पे ये रेड हुआ हुआ है यहाँ तक जो आपका फर्स्ट है हेलो देयर आई एम लर्निंग, आप देखेंगे उसने पाइथन को स्किप कर दिया है। क्यों? अब ये मैसेज वन का जो आपका वेरिएबल है ये यहाँ पे अंडरस्टैंड ही नहीं कर रहा कि आपकी बेसिकली ये कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट हो रही है, आप इस चीज को अंडरस्टैंड कर रहे हैं? हम क्या करते हैं हम मल्टी लाइन स्ट्रिंग का यूज करते हैं जब ऑलरेडी हमारे पास दरमियान में कोई स्ट्रिंग है कोई वैल्यू है उस पर ऑलरेडी सिंगल कोट्स या डबल कोट्स हैं, तो हम बाहर कभी भी लाइक एक बार लाइक सिंगल कोट्स या डबल कोट्स यूज नहीं कर सकते, हमें क्या करना पड़ता है हम उसके लिए मल्टी लाइन स्ट्रिंग जो है वो यूज करनी पड़ती है, उसके लिए हम क्या कर देंगे हम थ्राइस जो है वो क्या डबल कोट्स लगा लेंगे। कोर्स यूज कर देंगे। ये चीज यस मैम अंडरस्टैंड हुई है आपको? मैम हो गए। हाँ जी, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी अगर सिंगल कोट्स किसी भी लाइन में या पैराग्राफ में सपोज यहाँ पे जैसे डबल कोट्स में यहाँ पे और वैल्यूज हो सकती हैं वो भी डबल मार्क कोट्स हो सकते हैं, तो उसने तो जिस उसको वहां तक कंसिडर करना ना जैसे इसने किया हेलो देयर आई एम लर्निंग यहाँ तक इसने इसको एक वो स्ट्रिंग सिंपल कंसिडर स्ट्रिंग कर होगा दिया। लेकिन बात यहाँ क्या मल्टी लाइन करते हैं? का हमें बताया गया तो हाँ जी एग्जैक्टली हम मल्टी लाइन की स्ट्रिंग इसलिए यूज करते हैं, अभी ये बिल्कुल सही हो जाएगा अदरवाइज आपने। वो तो स्ट्रिंग हमें बता देगा कि ये स्ट्रिंग है, लेकिन हमें मल्टी लाइन के लिए वो थ्री कोड्स यूज करने पड़ेंगे। हाँ जी ताकि वो इस तरह का एरर ना दे इसलिए हम यूज करते हैं, अगर सपोज उसमें हाईलाइटेड वैल्यूज ना हो तो हम क्या कर सकते हैं हम सिंगल कोट्स भी यूज कर सकते हैं। ओके मैम अगर इसको हम अंदर जो है आप डबल कोटेशन कर दें और बाहर सिंगल कोटेशन कर दें ये मेरे ख्याल से तब भी काम करेगा। अच्छा हम इसको ट्राई करके देख लेते हैं, अगर आप कह रहे हैं कि हम जस्ट सिंगल कोट्स लाइक एक बार यूज करना है आप इस वजह से कह जी रहे हैं। बाहर जो मेन जो हमने वो लिखी हुई है चीज हेलो से लेके लैंग्वेज तक उसको सिंगल लाइन में कर सिंगल कोटेशन से कर दें, और जो बाहर जो अंदर जो पाइथन को जो हमने हाईलाइट करना है उसको डबल कोटेशन में कर दें तो तब भी मेरे ख्याल से करेगा ये एक्सेप्ट सर कर अब आप लेगा। ये देख लें कि जी जी सर जैसे आपने अभी कहा कि ये पाइथन को डबल कोट्स मैंने किया हुआ है, सर अब आप ये देखें यहाँ पे जो वर्ड लिखा हुआ है आई एम लर्निंग, आई एम को आप देखें हमने यहाँ पे भी वो एपोस्ट्रॉफी के तौर पे एज अ सिंगल कोट यूज किया हुआ है, आप देख रहे हैं आई एम लर्निंग को, तो यहाँ पे उसने क्या किया उसने वो हेलो देयर और आई तक इसको एक्सेस किया, उसने दोबारा से वो कंप्लीट स्ट्रिंग को तो लिया ही नहीं है ना सर, तो यहाँ पे भी मुझे क्या करना पड़ेगा अगर मैं सिंगल कोट्स में यूज करती हूँ तो मुझे थ्राइस एटलीस्ट यूज करनी चाहिए ताकि वो क्या करे उसको एज अ होल एक स्ट्रिंग ले। अभी अंडरस्टैंड हुआ सर? सिंगल कोट में उस केस में यूज कर सकती हूँ कि यहाँ पे अगर जो मेरा पैराग्राफ है या लाइन है उसमें एक और कोई और सिंगल कोट यहाँ पे यूज ना हुआ हो, अब इसको रन करेंगे तो अब ये हो नहीं जाएगा।
नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि इसको वो अंदर तो एक अपोस्ट्रोफी आपने यूज किया है ना ऊपर, आप बाहर सिंगल कोटेशन कर दें, अपोस्ट्रोफी को रहने दें, और जो जो पाइथन है उसको उसको जो है वो डबल कोटेशन में कर दें। अच्छा आप कह रही हैं मैं अपोस्ट्रॉफी आप कह रहे हैं मैं रिमूव कर दूं इसको एम नहीं कर नहीं नहीं देती नहीं हूं नहीं मैं। नहीं नहीं रिमूव ना करें, इसको रहने दें, और जो पाइथन है उसको डबल कोटेशन में कर दें, और जो बाहर जो मेन जो हमारा जो वो है लाइन है उसको सिंगल कोटेशन में कर दें। सर मैं वही कह रही हूँ और इसको फिर मैम से लेगा ये एरर देगा क्योंकि करके देखिए मैम, उसने आप ऐसे ही कह रहे हैं ना आप। देखिए वो जी एरर हाँ इसलिए दे कि उसने सर उसको स्ट्रिंग यहाँ अपोस्ट्रॉफी देखो उसने उसको एक स्ट्रिंग ले लिया है हेलो देयर आई यहाँ तक आप देखिए वो रेड मार्क हुआ हुआ है उसने यहाँ तक इसको स्ट्रिंग कंसिडर किया आगे उसको पता ही नहीं कि करना क्या है तो इसलिए उसने एरर दे दिया है तो एटलीस्ट हमें क्या करना चाहिए जी सर मैं ये बताएं। कह रहा हूँ कि बाहर आप डबल कोटेशन कर लेना, बाहर डबल कर अच्छा लें, पाइथन को ट्रिपल में कर लें। नहीं अच्छा फिर पाइथन पाइथन को मैं सिंगल ट्रिपल मिल जाएगी ना जी, आप पाइथन अंदर वाला जो है उसको ट्रिपल में कर लें, और बाहर वालों को डबल में कर लें, और अपोस्ट्रोफी को ऐसे ही रहने दें। ओके ओके सर अंडरस्टूड सर तब तो वो आप सही कह रहे हैं तब तो हो जाएगा बेसिकली उसको अपना जो सिंटेक्स है वो एक ही तरह का चाहिए ना जहां से वो स्टार्ट हो रहा है और एंड हो रहा है एक। ओके सर हम इसको दोबारा से रन करके देख लेते हैं तो वो तब भी एरर दे रहा है तो हमारे पास वो जो एक्चुअल मेथड है वो यही है कि हम हाईलाइट सर नॉर्मली हम पैराग्राफ लिखते हैं तो हम कभी भी किसी भी वर्ड को वो तीन कोट्स तो लगाते ही नहीं है ना हम कोई भी पैराग्राफ पढ़ रहे हैं कोई बुक स्टडी कर रहे हैं आप उसमें देखिए कोई भी चीज हाईलाइट होगी तो वो सिंगल कोट से होगी और वो एक ही बार यूज हो रहा होगा या तो वो डबल कोट से होगा वो भी एक ही बार यूज हो रहा होगा नॉर्मली हम इस तरह की चीजें देखते ही नहीं है आप देखिए कोई भी हम बुक रीड कर रहे हो या कोई भी इंपॉर्टेंट पैसेज रीड कर रहे हो उसमें इस तरह की कोट्स नहीं यूज हो रही होती जैसे आपने भी बताया कि इसको तीन कोट्स लगा दें तो मैम सर यहाँ से है अंडरस्टूड ना है कि 3 कोट्स हम पैराग्राफ के लिए यूज कर सकते हैं। अब एक वर्ड के लिए करेंगे तो वो एरर ही देगा ना, हमें एक पैराग्राफ के लिए यूज करेंगे जी ना। नहीं, लाजमी नहीं है, जी वो एक सेंटेक्स है ना, उसको सेंटेक्स को फॉलो करना है हमें। ये आप देखें खुद, एक लेबल, एक तो वो वैसे सिंगल लेबोरियस पार्ट हो को गया, तो और डबल कोट में लिया जाता है तो वो हो जाता है हाँ तो जिस तरह नॉर्मल मैडम ने बताया ना, वो तरीका सही है इसको ज्यादा कॉम्प्लिकेट करने की बजाय। और सर जैसे भी हम ये छोटी चीजें कर रहे हैं वैसे ये आपको अपने एंड पे लाजमी हम इससे कहते हैं कि थोड़ा बहुत प्रैक्टिस भी किया करें एग्जैक्टली ताकि आप एग्जैक्टली जैसे आप क्लियर हो जाएं कि लाइक हम कौन कौन से सेंटेक्स और किस फेज में हम इनको यूज। ठीक हो गया हम मूव करें नेक्स्ट पे किसी को कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। ओके हम नेक्स्ट पे मूव करते हैं अच्छा, सिर्फ एक चीज ऐड करूंगा, अगर ज्यादा आप लोगों को इसका मसला हो रहा है ना कि ये कहाँ आपका ये अपोस्ट्रॉफी आ रहा है क्या आ रहा है, आप एस्केप कैरेक्टर्स भी यूज कर सकते हैं अगर आप ज्यादा एडवांस करना चाहें। तो जो जो ये काम कह रहे थे ना कि ट्रिपल लगेगा या सिंगल लगेगा, तो आप एस्केप कैरेक्टर्स के बारे में पूछ पढ़ लीजिएगा, वो इंशाल्लाह आपको ज्यादा हेल्प आउट कर देगा। थैंक यू। थैंक यू सर थैंक यू सो मच ओके। अच्छा अस्सलाम वालेकुम जनरल एवरीवन। वालेकुम सलाम वालेकुम सर अस्सलाम सर। वालेकुम सलाम सर तो मैं काफी देर से माशाल्लाह आप लोगों की डिस्कशन सुन रहा था, एंड इट वाज डूइंग ग्रेट। तो कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर साहब आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमारे एक और स्टूडेंट का माशाल्लाह आज आयर्स में 7 बैंड आ गया, तो विच इज अ रियली गुड स्कोर, और इंशाल्लाह उनका मेरा ख्याल इस साल स्कॉलरशिप हो जाएगा अमेरिका के लिए, तो जिसकी वर्थ होगी 7 से 10 करोड़ के दरमियान। तो थैंक्स टू हाई कोर्ट मॉडरेटर्स, तो उन्होंने आयल्स जो है सर रियाज से और उबैदुररहमान से पढ़ा था, और मैम सबा से और जुबैर जफर से। सो सल्यूट टू दीज मॉडरेटर्स।
जिन्होंने माशाल्लाह इतना अच्छा पढ़ाया और इतना ज़्यादा पढ़ाया। इस साल हमने कोई आई थिंक 20+ सेशन रन किए हैं सिर्फ आइल्स के सेशन के लिए, कि स्कॉलरशिप लोगों का हो सके, इंटरनेशनल ओपन स्कॉलरशिप्स। तो इस बारे में किसी को क्वेश्चन? तो आई होप कि सब लोगों को ये बात पता है कि दिस इज एन अपॉर्चुनिटी वेर देयर। अच्छा, मेरा आप लोगों से एक क्वेश्चन है कि लेट्स सपोज आप में से जो साथी भी ये सेशन ले रहे हैं, लेट्स सपोज वो पहले पाइथन करते हैं, फिर वो डाटा स्ट्रक्चर करते हैं, फिर वो एआई कर लेते हैं, डाटा एनालिसिस कर लेते हैं, और इसी बात में 6-7 महीने गुजर जाते हैं, और आप लोग अगले साल अप्लाई करते हैं पीएचडी के लिए। तो सीवी में क्या चीज आएगी जिससे आपका पीएचडी के स्कॉलरशिप के लिए चांस बढ़ेगा? सीवी में ऐसी क्या चीज आएगी जो कि किसी अच्छी यूनिवर्सिटी के GPA 4 में नहीं होती, जो वर्ल्ड रेनाउंड यूनिवर्सिटी के GPA 4 में नहीं होती? सर, जो इंटरनेशनल हैकाथॉन्स में हम आईकोड गुरु की तरफ से जाते हैं, ठीक है, और इसके अलावा इंटरनेशनल लीड रिकमेंडेशन, डेटा सर्टिफिकेट, लीड कोड के क्वेश्चंस। हाँ, लेकिन लीड कोड के जो GPA 4 है उनके उनको उन ये कंफर्म होता है कि उन्हें कोडिंग आती है। वो कोई अगर इंडिया की अच्छी यूनिवर्सिटी का GPA 4 है, ये कंफर्म है कि कोडिंग में बहुत अच्छा होगा वो, राइट? मैं GPA 4 की बात कर रहा हूँ, नॉर्मल आम स्टूडेंट की बात नहीं कर रहा। तो प्रोफेसर को कैसे पता चलेगा कि ये प्रोफेसर कैसे दूसरे प्रोफेसरों को कन्विंस करेगा, नहीं यार इस बंदे को चेक करो, बेशक ये पाकिस्तान से, बेशक इसका GPA कम है, बेशक इसकी यूनिवर्सिटी को हम नहीं जानते। सर इंटरनेशनल अवार्ड के जो अवार्ड विनिंग है जो हैकाथॉन है, उसके ठीक साथ है, साथ बिल्कुल स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन होंगे हमारे पास जो फील्ड हाँ, में जो है। इंटरनेशनल, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, एक इंटरनेशनल हैकाथॉन हो गया, दूसरा इंटरनेशनल अवार्ड हो गया, और क्या हो सकता है? सर रिकमेंडेशन लोगों से, ठीक है, रिकमेंडेशन के रिकमेंडेशन में क्या लिखेंगे? आप ऑब्वियसली हैकाथॉन में कुछ एक्सपीरियंस कवर करेंगे, इसके अलावा और चीज़ क्या हो सकती है जो कि बहुत ज़रूरी है? अगर पोर्टफोलियो डाल दें क्या, आपने पोर्टफोलियो किस हर किस बंदे का प्रोजेक्ट अच्छा में क्या होता करें? है, ये पोर्टफोलियो कोई बंदा सीरियस नहीं लेता, जो आप समझ लें कि जो CV है उन पे कोई ट्रस्ट नहीं करता। सर वो आई कोड पे सीखे और लेक्चर प्रेजेंट करे, उससे भी उसका जो है ना कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। एग्जैक्टली आप में से दो किस्म के लोग हैं, एक वो लोग हैं जो कोई जो कुछ सीखते हैं वो जल्दी से रिपीट कर देते हैं, और जो जो वो सीखते जा रहे हैं, अगर वो 6 महीने लगाते हैं आईकोड के ऊपर, तो 6 महीने का उनका टीचिंग का एक्सपीरियंस भी हो जाएगा। 6 महीने बाद वो लिख रहे होंगे कि उन्होंने आईकोड आईकोड गुरु पे एज अ ट्रेनर पाइथन पढ़ाई है, डाटा स्ट्रक्चर पढ़ाई है, AI पढ़ाई है, डाटा एनालिसिस पढ़ाई है, आइल्स पढ़ाया है, और वो लगेगा वो 6 महीने से माशाल्लाह वो वॉलंटियर काम कर रहे थे, और साथ वो प्रोफेसर को भेजेंगे ये मेरी रिकॉर्डिंग्स है, अगर तुम देखना चाहते हो मैं बोलता कैसे हूँ, एक्सप्लेन कैसे करता हूँ, तो ये मेरी रिकॉर्डिंग है। प्रोफेसर देखेगा भाई ये बंदा तो बहुत रेगुलरली ये काम करता है, इसका मतलब इसमें कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा है, और प्रोफेसर उस बंदे को जेन्युइनली बोलता हुआ देख लेगा, एक्सप्लेन करता हुआ देख लेगा, एज कम्पेयर टू एक और स्टूडेंट जिसे आता तो बहुत कुछ है लेकिन जिसने प्रेजेंट नहीं किया, तो प्रोफेसर डज नॉट नो कि ये चीजें एक्सप्लेन भी कर पाता कि नहीं कर पाता, क्योंकि उस यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर ने पहले किसी बंदे के साथ काम नहीं किया हुआ। प्रोफेसर को नहीं पता कि मैं इस बंदे से कम्युनिकेट भी कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, प्रोफेसर को नहीं पता इसकी वर्क एथिक्स कैसी है। दूसरी चीज कि जो बंदा क्लास में प्रेजेंट नहीं करता, ये गारंटीड है कि प्रोफेसर का इंटरव्यू में वो अंडर प्रेशर फेल हो जाएगा, क्योंकि उसे अंडर प्रेशर बोलना नहीं आता, उसका ब्रेन फ्रीज हो जाएगा। तो ये एस्पेक्ट आप देख रहे हैं,
कि आपने प्रोफेसर आपने एक तो वॉलंटियर वर्क कर दिया जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है यूएस में, दूसरा आपने वर्क क्या कहते हैं आपने एज अ अभी हालांकि आप खुद सीख रहे हैं लेकिन आपने एज अ ट्रेनर भी अपने सीवी में जगह बना ली चीज़ों की, और तीसरा प्रोफेसर कन कभी कौन है नहीं लेक्चर एंड रिव्यू भी आप क्या कर रहे थे, बेशक वो उर्दू में हो। तो ये वो चीज़ें हैं जो कि आप इन क्लास में एक्टिव रहने से अटेंड कर सकते हैं, जिस तरह मैम आसी अभी कर रही, तो हालांकि मैम आसी ने कुछ अर्से पहले कोडिंग स्टार्ट की थी। तो ये अपॉर्चुनिटी हर बंदे को नजर आ रही है या कुछ लोगों को नजर नहीं आ रही, वो तो समझते हैं कि वो क्लास लेके चले जाएंगे और बाद में प्रैक्टिस कर लेंगे, तो दे आर एज गुड एज दोज हु आर प्रेजेंटिंग इन द क्लास। तो डू नॉट वेट इवन अ सिंगल डे, क्योंकि जिस दिन आप वेट करेंगे किसी और बंदे ने उस दिन भी प्रैक्टिस कर ली होगी और अपने आप को इम्प्रूव किया होगा। तो इस वजह से जो हमारे मॉडरेटर्स हैं दे स्टैंड टॉल दे स्टैंड हाई, उन्हें बहुत बड़ा है जो है रेस्ट ऑफ द कंपटीशन के ऊपर, बेशक वो GPA 4 हो, इस चीज की वजह से ये चीज शाइन आउट करती है CV पे। तो इस साल हमारे जितने मॉडरेटर हैं आई थिंक सबको वर्बल ऑफर्स आ गई हैं PhD की स्कॉलरशिप की, तो इंशाल्लाह उन्हें राइटिंग में भी आ जाएंगे, दैट इज ग्रेट, कि इसका मतलब है कि उन्हें प्रोफेसर्स उन्हें CV बनाना भी आ गया, उन्हें इंटरव्यू देना भी आ गया और उन्हें कंपटीशन से विन करना भी आ गया। तो इसलिए कोशिश करें कि अपॉर्चुनिटीज बोलें जहां पे ना सिर्फ आई कोड गुरु पे बल्कि बाहर भी, कि जहां पे आपको बोलने का चांस मिले, जहां पे आपको लीडरशिप का चांस मिले, और ये सोचें कि बाकी सब लोगों को मेरे से कम आता है और मैंने बोलते जाना है, क्योंकि नॉर्मली हमें ये ख्याल होता है नहीं अभी मुझे पूरा नहीं आता, पहले मैं अपने आप को इम्प्रूव करूंगा उसके बाद बोलना शुरू करूंगा पढ़ाना शुरू करूंगा, एंड दैट टेक्स यू टू फेलियर। तो इसलिए कोशिश करें जितना भी आता है उतना ही पढ़ाना शुरू कर दो, और जब और ज्यादा आता जाए तो वो ज्यादा वाला भी शेयर करते जाए, तो शेयरिंग इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एथिक्स। तो किसी का इस बारे में कोई कमेंट या कोई और क्वेश्चन, तो मेरे यहाँ इस वक्त सुबह के 3:30 हो रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे अभी हम लोग जैसे ग्रेजुएट हुए होते हैं तो क्या हम लोगों को डायरेक्ट रिसर्च में या रिसर्च पेपर्स लिखने में घुसना चाहिए या उसकी बजाय किसी और चीज़ पे फोकस करना चाहिए? ये बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह पहली तो बात है जो प्रोफेसर बंदा ढूंढ रहा होता है वो ढूंढ रहा होता है काम का बंदा। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि आपको एक मजदूर चाहिए और एक बंदा MIT से डिग्री ले आता है कि मैं मजदूर बहुत अच्छा हूँ, लेकिन जब आप देखें तो आपको लगेगा यार ये तो 5 किलो वजन से ज्यादा नहीं उठा पाए, तो आप उसे रखेंगे नहीं रखेंगे। तो रिसर्च पेपर लिखने से ये तो पता चल रहा था कि इस बंदे को रिसर्च पेपर लिखना आ गया या आप दूसरों को रिसर्च पेपर पढ़ना आ गया, लेकिन रिसर्च के जितने एक्चुअल सब्जेक्ट्स हैं वो सारे मास्टर में पढ़ने होते हैं। तो रिसर्च पेपर आप एक आधा लिख लें, क्योंकि जब आपको रिसर्च पता चल जाए ना रिसर्च पेपर लिखते कैसे हैं, तो आप हफ्ते में रिसर्च पेपर लिख सकते हैं, इससे ज्यादा काम नहीं है। आजकल दुनिया में इतनी ज्यादा पब्लिकेशन और कॉन्फ्रेंसेस आ गई हैं फेल होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मसलन आप किसी भी सिटी का कोविड का डाटा सेट पकड़े उस पर AI का कोई एल्गोरिदम लगा दें, उसका रिजल्ट आएगा वो पब्लिश कर हो सकता वो पब्लिशेबल प्रॉपर वर्क, लेकिन क्या इससे आपने रिसर्च सीख ली? नहीं, इतनी ज्यादा नहीं सीखी, नॉर्मल सा काम किया। क्या इससे साइंटिफिक कम्युनिटी को हेल्प हुई? नहीं हुई साइंटिफिक कम्युनिटी को हेल्प, तो इस तरह की रिसर्च का ज्यादा फायदा नहीं होता। तो एक पेपर पब्लिश कर लें बहुत होता है या मैक्सिमम 2 कर लें, लेकिन जो आपकी क्या कहते हैं, क्योंकि जो बाकी दुनिया के GPA 4 है उनके पास भी पब्लिकेशन होते हैं, तो पब्लिकेशन से इतना हेल्प नहीं होती,
बाकी चीजें आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए, आपकी टाइपिंग स्पीड इतनी स्ट्रांग हो कि दूसरे बंदे देख के इम्प्रेशन 100 वर्ड पर मिनट होने चाहिए। अगर किसी भी इससे काम है तो मैं समझूंगा कि वो बंदा सीरियस नहीं है, उससे खुश फहमी है कि वो सीरियस है। दूसरा, आपकी कोडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, और फिर आपकी हैकाथॉन्स में अपने लोगों से काम हो सके। ठीक है, तो पाकिस्तान में जो टॉप यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं, GIK के, लम्स के, फास्ट के, UET के, NET के, इन ये सारे रिसर्च पेपर्स के पीछे लगे हुए हैं, लेकिन अब कभी इनका ओपन स्कॉलरशिप पे एडमिशन नहीं होता। देखेंगे, डॉक्टर साहब, फिर ये जैसा टाइपिंग स्पीड को तेज करने के लिए आप क्या रिकमेंड करेंगे, किस तरह काम किया जाए? रोजाना टाइपिंग की प्रैक्टिस करें, टाइपिंग ट्यूटोरियल ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं, रोजाना 20-30 मिनट टाइपिंग करें। टाइपिंग के लिए आपके हैंड्स के मसल स्ट्रांग होने होते हैं, तो जिस तरह बॉडी बिल्डर बॉडी बनाता है कि वो रोज प्रैक्टिस करता है महीनों फिर बॉडी बनती है, तो इसी तरह आपके फिंगर्स के मसल उतना स्ट्रांग होते हैं। ठीक है। राइट, तो ये क्वेश्चन है कली हुसैन साहब का, डज इट मैटर कि आप इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं कॉलेज लेवल पे, यूनिवर्सिटी लेवल पे, अगर आपके लेक्चर रिकॉर्डेड नहीं है तो इसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। लेक्चर रिकॉर्ड होना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप प्रोफेसर को लेक्चर्स के लिंक भेज सकें, ताकि वो देख सके कि आप बोलते कैसे हैं, प्रेजेंट कैसे करते हैं। अदरवाइज तो वो वही जो जूम कॉल में देखेगा आपको, और उसमें बंदा वैसे प्रेशर में होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ पे दो दो चीज़ें आती हैं। एक आपने जैसे वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड करके डाल दिया, और एक आपने लोगों को बिठा के पढ़ाया, तो इन दोनों में कोई फर्क होता है? या अगर मैं देखूंगा जो मैंने सिंपल वीडियो रिकॉर्ड करके डाल दी, वो भी काउंट कर लेते हैं? सिंपल वीडियो में वो मजा नहीं आता जो आप कहें कि मैं बच्चों को पढ़ाया, ये नहीं कि आप CV पे क्या लिखें कि मैं यूट्यूब पे रिकॉर्ड करके डालता हूँ, वो तो सारे लोग डाल रहे हैं आजकल। उसकी उससे ये प्रोफेसर को भी पता चला था ये बंदा बोलता कैसे है, लेकिन उससे अच्छी फीलिंग नहीं आती कि ये बंदा वॉलंटियर वर्क करता। ठीक हो गया, ठीक हो गया। वॉलंटियर वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है CV पे, इट इज वन ऑफ द टिक मार्क्स यू नीड टू पुट। ठीक हो गया। तो ये दूसरा, ये मुजम्मल तारिक का क्वेश्चन है कि शुड आई ट्रांसफर फ्रॉम Tier 3 to Tier 1 यूनिवर्सिटी इन पाकिस्तान एज आई एम करंटली स्टडिंग इन नमल इस्लामाबाद। तो पाकिस्तान की जो Tier 1 यूनिवर्सिटीज हैं इंटरनेशनली, उनकी परफॉर्मेंस काफ़ी काबिल रहम है, तो मेरा नहीं ख्याल कि इससे फ़ायदा होता कोई। काफ़ी ज़्यादा काबिल रहम, यानी कि इस साल जो पाकिस्तान के इंटरनेशनल अवार्ड्स हैं कोई 300 से ज़्यादा आए हैं, उनमें एक आधा शायद Tier 1 का है। इस साल जो कोडिंग कंपटीशन हुआ मेटा हैकर कप, उसमें हमारी Tier 1 यूनिवर्सिटी के GIK की पाकिस्तान में भी चौथी पोजीशन आई है। पहली 3 पोजीशन हाई स्कूल के बच्चों की, तो आई डू नॉट नो कि वो अपने बच्चों को क्या पढ़ाते हैं, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। जो पाकिस्तान के ओपन स्कॉलरशिप बच्चे ले रहे हैं उनमें Tier 1 यूनिवर्सिटी के बच्चे नहीं, तो इसलिए मेरे ख्याल में अगर तो आपके घर के पास है, आप फाइनेंशियली भी अफोर्ड कर सकते तो फिर Tier 1 में चले जाएं, लेकिन अगर वो नहीं कर सकते तो फिर Tier 1, फिर वर्चुअल यूनिवर्सिटी इज द बेस्ट। आराम से घर बैठे अपने वो टाइट ना करें, और क्या कहती हैं कि हम जो हाईकोर्ट गुरु भी आपको चीजें बताते हैं, इन चीजों पर फोकस करें और अपना CV अच्छा करें, एंड स्काई इज द लिमिट फॉर यू। आई डू नॉट सी एनी रीजन के आप दुनिया की टॉप की कंपनी में क्यों काम नहीं करेंगे, जिसमें हमारे Tier 1 वाले भी ख्वाब देखते हैं जाने। तो जी, किसी और को क्वेश्चन? हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। जी, वालेकुम सलाम। जी सर, मैं क्या कहते हैं 7th सेमेस्टर में उस वक्त, और क्या मैंने लीड कोड भी स्टार्ट किया है, और साथ एक हैकाथॉन में भी पार्टिसिपेट किया और विन किया है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मुझे स्कॉलरशिप का पूरा प्रोसीजर समझ नहीं आ रहा कि प्रोफेसर से रिकमेंडेशन वगैरह का क्या सीन है, ये मुझे थोड़ी अंडरस्टैंड करवा दें सर काइंडली। हाँ बिल्कुल, मेरे 4 टॉक्स हैं क्रेडिट काउंसलिंग के ऊपर, तो उनमें ये चीज़ें सारी डिटेल से बताई गई हैं। तो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन पाकिस्तानी प्रोफेसर से लेने का इतना फ़ायदा नहीं होता,
पाकिस्तान इज नॉट नोन इन द टेक्निकल कम्युनिटी एज अ सीरियस कंट्री, तो हमारे प्रोफेसर्स को भी कोई नहीं जानता होता। तो बेसिकली हम अपने स्टूडेंट को लेटर ऑफ रिकमेंडेशन इंटरनेशनल लोगों से लेके देते हैं, मैसे किसी को जापान से ले दिया, किसी को कोरिया से ले दिया, किसी को इंग्लैंड से ले दिया, किसी को यूएसए से ले दिया। तो ये जो चार टॉक्स भी चैट में शेयर की गई हैं, तो प्लीज़ इन्हें देख लें, तो इसमें ये चीज़ें डिटेल से बताई गई हैं। जी ठीक है, थैंक यू सर। वेलकम। तो नॉर्मली अगर अभी आप लीड कोड कर रही हैं तो इसका मतलब है कि आप अपना 1 साल ज़ाया कर चुकी हैं। आपको चाहिए जी था कि सर, आप अभी आयल्स रिसेंटली करती, स्टार्ट किया। आप आयल्स जी आप आयल्स जी समर में करती हैं, और इस टाइम आपका एडमिशन हो चुका होता हमारे पास। तो फिर ये सर 2025 फॉल में होगा। जी बिल्कुल, 25 फॉल में होगा अगर आप सीरियस लगी रहें तो, वरना नहीं सर होगा। मैक्सिमम कितना टाइम होगा अब मेरे पास? किस चीज़ का कितना टाइम है? जी सर, स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने के लिए। अप्लाई करने के लिए आपका आइल्स अगले समर तक हो जाना चाहिए, और उसके बाद अप्लाई करना शुरू करें, आइल्स और जीआरई। जी ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है, और बाकी आपका प्रोफाइल भी अच्छा हो, कि आप हर महीने एक हैकाथॉन में जा रही हैं, तो सीवी से ये लगना चाहिए कि ये बच्चा हर महीने एक हैकाथॉन में जाता है। ये नहीं लगना चाहिए कि इसने बस एक दफा हैकाथॉन में चला गया था। सीवी से ये लगना चाहिए कि ये बंदा किसी भी टाइम खड़ा होकर पढ़ा सकता है। ये नहीं लगना चाहिए कि इसने 4 साल में 3 टॉक्स दी, सिर्फ 3 प्रेजेंटेशन दी। तो ये कंसिस्टेंसी इज द की, जी सर, ठीक है, जो आपको डिस्टिंग्विश करती है क्राउड से। ठीक जी सर, है, तो हमारे साथ जी बोले। ये चैट में सवाल था कि अगर किसी का 3 GPA से कम है। हाँ बिल्कुल, अगर किसी का 3 GPA से कम है तो क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? वो अप्लाई करे, लाजमी करे, लेकिन साथ ही वो MS में एडमिशन ले ले किसी ऐसी यूनिवर्सिटी में जिसमें वो 3 से ज़्यादा GPA ले सके। ठीक है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं करोड़ों रुपए की सैलरी की, तो भाई करोड़ों रुपए की सैलरी के लिए GPA तो अच्छा होना चाहिए ना, या 3 से भी बुरा होगा तो फिर कंपटीशन में अपने आप को डिस्टिंग्विश करना और स्कॉलरशिप लेना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। फिर आप सारी उम्र लोगों को यही यकीन दिलाते रहते हैं कि नहीं, मैं सीरियस स्टूडेंट हूँ। तो ये काफी सीरियस इश्यू हो जाता है। तो जी हमारे साथ सर आसफ रसूल हैं जर्मनी से, तो सर आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? माशाल्लाह ये सरगोधा में स्कूल टीचर थे पहले, ये यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोधा के, फिर इन्हें अमेरिका का फुली फंडेड मिला, फिर इन्हें जर्मनी का मिला, फिर ये जर्मनी चले गए, फिर जर्मनी जाकर भी 2-3 महीने बाद इन्होंने MS छोड़ा और पाकिस्तान की आई कोड गुरु की पढ़ाई की बेस पे जॉब करना शुरू कर दी। तो माशाल्लाह अभी ये डाटा इंजीनियर है उधर, तो दिस स्पीक्स अ लॉट। आई कोड गुरु के स्टूडेंट्स कहाँ कहाँ जाकर अपने आप को मनवा सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम वन सर, आपने काफ़ी बातें कर दी। बिल्कुल जी, वेल डिजर्व्ड, यू हैव प्रूव्ड ये बातें के शुरू से चलती आ रही हैं आईकुड ग्रुप पे कि जो सक्सेस है हम जैसे अनप्रिविलेज्ड स्टूडेंट्स के लिए वो ऐसे ही है कि हमें भागना पड़ता है थोड़ा। ठीक है, मैं बस एक बात ऐड करूंगा कि आईकुड ग्रुप के स्टार्ट में थे हम लोग जब सर जफर ने ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था, तो मेरे बैच में जितने लोग थे ना वो सारे इस टाइम अच्छी पोजीशंस पे बैठे हैं, कुछ अमेरिका में कुछ जर्मनी में। बाकी वो जो मेरे साथ फीमेल थी मेरे बैच में वो तो उनकी एज जो है वो 35+ थी, विद 8 to 12 years of study gap, और उन्हें मास्टर्स मिला और फिर वो उस मास्टर्स में भी यूएसए में टॉप पे रही। मल्टीनेशनल क्लास थी उनकी, उसमें भी वो टॉप पे रही और अभी इस टाइम पे यूएस में अच्छी खासी जो है वो
पॉपुलर कंपनी के अंदर जॉब्स कर रही हूँ। तो ओवर टू द होस्ट एंड जी प्रेजेंटर। बिल्कुल, ये इन्होंने बड़ी जबरदस्त बात की है। हाँ, हमारे जितने भी तक स्टूडेंट्स आए हैं उन सब ने अमेरिका में आकर टॉप की है, तो और उनमें से किसी ने भी पाकिस्तान में कभी टॉप नहीं था पी, तो सर ये क्या इसका रीजन है? मतलब है, इसकी रीजन अगर हम तैयारी अच्छी करवाते हैं ना, इसलिए और कोई रीजन नहीं। हालांकि यहाँ पे दुनिया का टॉप का टैलेंट आया होता है। अमेरिका में जो लोग मास्टर में आते हैं वो हर कंट्री के टॉप के लोग होते हैं, ठीक है, लेकिन हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो उन टॉप के लोगों को भी मास्टर में पिछाड़ देते हैं। उसकी रीजन ये कि हम मास्टर जो है पाकिस्तान से खत्म करवा के भेजते हैं, तो जब बच्चा यहाँ पे आता है तो उसकी रिवीजन हो रही होती है। और उस बच्चे को दूसरी बात, उसे पता होता है मैंने GPA 4 लेना, क्योंकि मैंने बाद में करोड़ों रुपए की सैलरी पे डायरेक्ट गूगल में जाना, मैंने किसी छोटी कंपनी में नहीं जाना, ये रीजन होती है। तो और उसकी रीजन क्या है, मोस्टली वही बातें जो कि मैं क्लास में बताता हूँ, कि भाई क्लासों में सिर्फ पैसिव होकर सुने ना, क्लास में एक्टिव हों, प्रेजेंट करें, मॉडरेटर बने, हैकाथॉन में हर महीने जाएं, इर रेस्पेक्टिव की पोजीशन कौन सी आ जाए हैकाथॉन में, ज्यादा से ज्यादा इंटरेक्शन करें हैकाथॉन्स में, सरखाएं लोगों का, तो कुछ पोजिशन भी आ जाएंगे। तो वो जो है, तो ये मुजम्मल तारड़ साहब का क्वेश्चन है कि अमेरिका में यूनिवर्सिटी मैटर करती है, तो जी आई कोड गुरु का जो पहला स्टूडेंट फैंग में गया है, माशाल्लाह उसकी स्टार्टिंग सैलरी 21,000 डॉलर है, वो VU का ग्रेजुएट है, वर्चुअल यूनिवर्सिटी का, प्यारी आवाज है। हाँ तो इससे आप देख सकते हैं इस चीज़। 21,000 डॉलर आ मंथ। हाँ बिल्कुल, 21,000 डॉलर, 2.5 लाख डॉलर सालाना। तो यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी की कितनी मैटर करती है। हाँ जी, ये इनका क्वेश्चन है कि अमेरिका में जिस यूनिवर्सिटी में जाते हैं वो मैटर करता है, वो हमारे स्टूडेंट्स के लिए मैटर नहीं करता कि हम अमेरिका में किस यूनिवर्सिटी से पढ़ते हैं, क्योंकि हमारा स्टूडेंट जहाज में बैठने से पहले ही गूगल, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट की तैयारी पूरी कर चुका होता है, तो इसलिए जब वो अमेरिका आता है तो उसे सिर्फ डिग्री चाहिए होती है अच्छे GPA के साथ। GPA ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू यूनिवर्सिटी। GPA बताता है कि आप जितने भी लोग थे क्लास में, आप उन सबसे बेहतर थे या अच्छे बच्चों में थे। तो ये हमारे स्टूडेंट को सक्सेस की एक और रीजन ये है कि अभी हमारे कुछ हजार स्टूडेंट पहले इन कंपनीज में काम कर रहे हैं जो अमेरिका में पढ़े हुए हैं, क्योंकि आई कोड गुरु इससे पहले सिलिकॉन वैली में चला करता था, तो इसलिए एक्सपीरियंस काफी है हमारे पास। जी ये इनफिनाइट मैथ का था वो क्वेश्चन, आपका हैंड रेज। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर मैंने अभी आपका सेशन ज्वाइन किया है आज फर्स्ट टाइम। अच्छा माशाल्लाह, तो मेरी क्वालिफिकेशन MS मैथ है, और काइंडली मुझे भी इस हवाले से कुछ गाइड करने के GPA क्या कितना है? बात। सर MS में 3.5 53 है, और MBS में 3.10 है सर। अच्छा यार, आप जी तो माशाल्लाह, आप आयल्स करें, आप तो अमेरिका के लिए पकी पकाई खीर हैं, तो आपका तो और चांस बहुत ज्यादा। अभी हमारे एक स्टूडेंट का मैथ में हुआ है, स्कॉलरशिप हुआ है, हमारा जो पहला स्टूडेंट अमेरिका गया था, जो कि माशाल्लाह उन्होंने अमेरिका के GPA 4 लिया था, वो भी MS मैथ था। अच्छा तो माशाल्लाह। हाँ, तो आप बस ये जो हमारा बूट कैंप चल रहा है ये पूरा कर लें, यानी कि आपको आपकी टाइपिंग स्पीड 100 वर्ड पर मिनट से ऊपर होनी चाहिए। अब ओके आप किसी सर। भी ऑनलाइन वेबसाइट पर जाएं तो अभी मेरा ख्याल, अगर आपकी नॉर्मल टाइपिंग स्पीड है तो ये 30 वर्ड पर मिनट होगी, जी सर। तो इसे आपने 3-4 गुना ज़्यादा करना। उसके बाद आपको कोडिंग अच्छी आनी चाहिए, लीट कोड, हर महीने एक हैकाथॉन में जाएं, जी सर कौन सी कोडिंग इंटरनेशनल, सर?
इसके वाले से कोई मैं पर्सनल डील कर किसे डिस्कस कर सकता हूँ अभी तो, क्योंकि मीटिंग चल रही है, बाकी लोगों को भी आपने टाइम देना होगा। हाँ बिल्कुल, पहले तो मेरी चार टॉक्स देख लें, ये जो ऊपर शेयर की गई कैरियर एक मिनट, काउंसलिंग की, ठीक है सर, और उसके बाद जो है आप आईकोड गुरु की वेबसाइट पे आईकोड गुरु को ज्वाइन कर लें और स्लैक में क्वेश्चन पूछें, तो मैं एक मॉडरेटर को असाइन कर दूंगा कि वो आपके साथ फोन पे बात करके सारी चीजें एक्सप्लेन कर देगा। ओके सर, आई कोड गुरु, मैं अभी वेबसाइट पे जाता हूँ। और ये सर, ये जो iCode.guru है ये, आई कोड डॉट गुरु, ओके डॉट सर, गुरु। जी सर, थैंक यू सर। मैं अभी रिसेंटली पाकिस्तान में पीएचडी का सोच रहा था, और सर मेरी स्टडी में गैप है 3 साल का, तो ये तो कोई इशू नहीं बनेगा। ये अब किसी चीज का कोई इश्यू नहीं बनेगा, मैंने को बताया वो अमेरिका के स्कॉलरशिप के लिए पकी पकाई चीज ठीक हो गया सर। है। ठीक है, आप ये टॉक सुने तो आपको चीजों का आइडिया हो जाएगा, सर लेकिन ये जो हाँ बिल्कुल ऑब्वियसली आपको 6-7 महीने काम करना पड़ेगा चीजों पर। कोई इशू नहीं इंशाल्लाह सर। सर ये जो शहजाद तो एवरीवन शेयर किया, यही वाली सर टॉक सुननी है? जी बिल्कुल, ये जी वाली सर, टॉक्स। उसको सुनता हूँ सर, मैं यहाँ पे भी रब्ता करूंगा सर। थैंक यू सो मच सर गाइड करने के लिए, थैंक यू। बिल्कुल जनाब, वेलकम। तो जो मैथ के ग्रेजुएट हैं, फिजिक्स के, नेचुरल साइंस के ग्रेजुएट्स हैं, उनके अमेरिका में बहुत ज़्यादा डिमांड है, अगर उन्हें कोडिंग आती हो। सर कोडिंग के बारे में थोड़ा गाइड करें, किस चीज की, पायथन की, किस चीज की कोडिंग सर? लीट कोड के आपने 200 से 300 क्वेश्चन किए हो, लीट कोड भी वो वाले सवाल हैं जो कि गूगल, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट पूछता है इंटरव्यूज में। ठीक हो गया सर, ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है, मैं बाकी डिस्कस करता हूँ सर आपकी टीम से। बिल्कुल बिल्कुल। ये मुजम्मल तारर का क्वेश्चन है कि डज स्टैम्प डिग्री वी परस्यू मैटर लेटर ऑन? नहीं जी, बिल्कुल मैटर नहीं करती, काम मैटर करता है, आपको इंटरव्यू क्लियर करना आना चाहिए। जिस तरह मैंने जिंदगी में कभी कंप्यूटर पढ़ा ही नहीं है, लेकिन मैं कंप्यूटर की जॉब कर रहा हूँ सॉफ्टवेयर की, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो इसी तरह मेरे साथ मेरी टीम में एक बंदा है, वो BA फिल्म एंड सिनेमा, उसने फिजिक्स केमिस्ट्री भी कभी नहीं थी पढ़ी, तो वो भी जॉब कर रहा है क्योंकि वो इंटरव्यू क्लियर कर सकता है। तो इसलिए स्टेम के अंदर सारी डिग्रीज तकरीबन इक्वल होती हैं। तो ये जो हमारे होस्ट हैं, मैम आयशा महमूद, ये भी NS1 से हैं माशाल्लाह, इन्होंने कोडिंग सीखी भी सिखा रही है। मैम आसिया, इन्हें भी 1.5-2 महीने पहले तक कोडिंग का नहीं था पता, लेकिन माशाल्लाह अभी ये टीच कर रही हैं। तो मॉडरेटर्स, आप लोगों का एक्सपीरियंस कैसा जा रहा है? क्योंकि अभी माशाल्लाह आप लोगों का प्रोफाइल बनना शुरू हो गया एज ट्रेनर, तो 6 महीने तक जब आपको चीजें पूरी आएंगी उस वक्त तक आपके CV में 6 महीने का वॉलंटियर एक्सपीरियंस एज अ ट्रेनर ऐड हो चुका होगा, और प्रोफेसर को लगेगा भाई ये लोग तो ट्रेन करते हैं बाकी लोगों, तो इट इज अ वेरी स्ट्रांग पॉइंट। यस सर, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा जा रहा है, आप बहुत अच्छे से गाइड करते हैं। आपने 1 महीना पहले ही मैंने भी ज्वाइन किया था, और मैंने यहीं से सीखा है पाइथन का, और आपकी गाइडेंस से अब मैं क्लास को टीच भी कर रही हूँ। ये क्वेश्चन है सेलिन माइकल का कि जी आप रिकमेंड करेंगे PhD या मास्टर? मैं इन दोनों डिग्रियों से बहुत पहले ये रिकमेंड करता हूँ कि पहले आप इस काबिल हो जाएं कि आप अमेरिकन अंडरग्रेड GPA 4 को, यूरोपियन अंडरग्रेड को और इंडियन अंडरग्रेड स्टूडेंट को पेपर पे कंपीट कर सकें एज अ पाकिस्तानी, और उसके बाद आप इतने अच्छे हों कि आप इंटरव्यू में कंपीट करें। तो बाकी चीज़ें क्या कहते हैं बहुत बाद में आती है, एप्लीकेशन वाला, MS PhD, ये चीज़ें बहुत बाद में आती हैं। सर तो ये चैट में क्वेश्चन है, जी 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 आप बोले तो मैं रीड कर दूं। जी सर, मेरा GPA 2.1 है, BScS में बाहर जाना चाहता हूं, कोई चांस हो सकता है? मेरी बहन ब्रिस्टॉल यूके में है, उनका मशवरा है कि वर्क परमिट पर आ जाए, फ्रेश स्टूडेंट के लिए जाना बेहतर रहे।2.1 पे मुझे UK का आइडिया नहीं है, लेकिन UK में अगर आप जाएंगे तो
मेरी सैलरी काफी थोड़ी होती है। सर यूके में इस टाइम बहुत ज़्यादा ट्रबल चल रही है, ओवर पॉपुलेट हो चुका है, और स्टूडेंट जो है ना वो MS डेटा साइंस की डिग्रीज करके भी उन्हें Tier 1 Tier 2 की जॉब नहीं मिली, तो टीयर उसके वन बाद टीयर टू की रोटी भी पूरी नहीं हो रही। और स्टूडेंट जो है वो इतनी अच्छी डेटा में डिग्रीज करके भी, IT में डिग्रीज करके भी सिक्योरिटी गार्ड और वॉचमैन की जॉब जो है वो कर रहे हैं, एंड आफ्टर वन एंड बिल्कुल हाफ ऐसे ईयर ही। डिग्री के बाद आफ्टर वन एंड हाफ ईयर उनका वीजा एक्सपायर हो जाएगा, एंड दे विल बी बैक टू पाकिस्तान आफ्टर स्पेंडिंग ऑलमोस्ट 30 लाख इन यूके। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये अहमद का क्वेश्चन है जी कि मैं फाइनल ईयर में बैचलर का स्टूडेंट हूँ और FYP पे काम कर रहा हूँ एंड्रॉयड ऐप पे, तो मैं आइल्स पे करूँ या लीड कोड पे फोकस करूँ? पहले तो आप अपने GPA पे फोकस करें क्योंकि GPA अच्छा होना चाहिए। अच्छा, आई मीन 3.5 बहुत है, तो उसके बाद फिर आप समर में आइल्स में आइल्स और GRE पे फोकस करें, उसके अलावा लीट कोड पे फोकस करें। और आप जब किसी को कहेंगे तो आप ये कहेंगे मैं हर महीने में रेगुलरली हैकाथॉन में जाता हूँ, तो ये आपका CV प्रूफ कर रहा होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं पिछले साल 2 इंटरनेशनल हैकाथॉन में गया था, उसे ये लगेगा ये वैसे ही बस वंस इन अ ब्लू मून चला गया था, और उससे आपकी पर्सनैलिटी भी इम्प्रूव नहीं होगी। याद रखें, अगर आपने कभी किसी गोरे से बात नहीं की तो प्रोफेसर का इंग्लिश में इंटरव्यू क्लियर नहीं होगा। प्रोफेसर क्योंकि एक पोजीशन के लिए अगर 10 स्टूडेंट कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट करता है जिसमें 4 हैं ही गोरे और 4 इंडियन है, एक आधा चाइनी है या ऑस्ट्रेलियन है, तो भाई आपका नंबर नहीं आएगा, आप इम्प्रेस नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज़ हमें बड़ी क्लियरली पता होनी चाहिए। तो अभी ओवरऑल यूरोप में जो है वो सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं जा रही है, और इवन यूरोपियन भी US में आ रहे हैं, और यूरोप और अमेरिका की सैलरी में भी काफ़ी ज़्यादा फर्क होता है, तो 5 से 10 गुना का फर्क होता है सेम जॉब के लिए। तो यूरोप में काम करने से आप पूरी उम्र पाकिस्तान में अपनी फैमिली रखें, दूर रहें, तो आप डिफेंस में घर नहीं बना सकते। तो यहाँ से आप अंदाजा लगा, बस आपको बस इतने पैसे होंगे कि आप एक दफा पाकिस्तान में आ जाएं और बाकी घर वालों का महीने का खर्चा चलता रहेगा लाहौर या कराची में, इससे ज्यादा पैसे नहीं। जी, ये सैयद विशाल का क्वेश्चन है कि मेरा सर GPA सर 3.43 है। बात की आपने क्या चीज? यही कि घर वालों को सिर्फ खर्चा दे सकते हैं और खुद अपना गुजारा कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है यूरोप में। तो सिचुएशन काफी टाइट है वहां। अच्छा है, तो ये विशाल रजा क्वेश्चन है, मेरा GPA 3.43 है और DS के सेशन भी ले रहा हूँ। तो भाई अगर आपने IELTS या GRE कर लिया है तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं, और हमारा जो कैरियर काउंसलिंग का कैरियर सर्विसेज का चैनल है उस पर अपना SOP LORs CV सब कुछ रिव्यू करवा लें। तो जो लोग अप्लाई करते हैं स्कॉलरशिप के लिए वो इस तरह करते हैं कि वो रोज 10-15 प्रोफेसर को, 10-15 PhD स्टूडेंट्स को ऑनलाइन ढूंढ के उन्हें मेलें करते हैं, उन्हें लिंक्डइन पर मैसेजेस करते हैं कि आई एम लुकिंग फॉर ग्रेजुएट अपॉर्चुनिटीज, तो ये मेरा CV है, तो अगर आपकी नज़र में कोई अपॉर्चुनिटी है तो मुझे बताएं। तो वो रोज़ सोने से पहले ये काम करते हैं, और जब तक उन्हें टारगेट नहीं मिलता वो रोज़ ये काम करते हैं, रोज रात को सोने से पहले घंटा डेढ़ इस चीज पे लगाते हैं। तो देन इट इज ओनली मैटर ऑफ टाइम कि एक दिन आप
टक्कर ऐसे पीएचडी स्टूडेंट या प्रोफेसर से हो जाएगी जिसकी टीम में जगह खाली हो, और उसे आपका प्रोफाइल भी अच्छा लगेगा, और जब आपसे बात करेगा तो फिर और ज्यादा अच्छा लगेगा कि भाई अंदर तो वाकई अच्छा है। तो दैट शुड बी द स्ट्रेटजी। देखें अगर आपने, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, कुछ लोग हैं, अगर आपने क्रिकेट टीम में सिलेक्ट होना है तो आप कैसे सिलेक्ट होते हैं? क्या आप अच्छे तरीके से क्रिकेट सोच सीखते हैं और फिर ट्रायल देने जाते हैं, या आप कहते हैं कि पहले मैं क्रिकेट टीम में चला जाऊं फिर क्रिकेट भी सीख लूंगा? ऑब्वियसली आप पहले सालों मेहनत करते हैं। तो इसी तरह जो पीएचडी की एप्लीकेशन है उसके लिए भी पहले इस काबिल बने कि आपका चांस हो सिलेक्शन का, उसके बाद अप्लाई करें। अगर आप पहले अप्लाई करेंगे तो प्रोफेसर आपसे बात करने के बाद ना सिर्फ आपको रिजेक्ट करेगा बल्कि आपके कंट्री के बाकी लोगों के साथ के ऊपर भी क्रॉस मार देगा कि यार ये लोग सीवी में तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं लेकिन इन्हें तो कुछ भी पता नहीं होता, क्योंकि प्रोफेसर डिसअपॉइंट हो जाएगा। और अभी भी पाकिस्तान को जो प्रॉब्लम आ रही है कि क्यों हमें हमारी इंटरनेशनल लेवल पे सिलेक्शंस कम है, पोजीशंस कम है, क्यों? क्योंकि हमारी परफॉर्मेंस बहुत बुरी है। हमारे प्रोफेसर एक दफ़ा एक बंदे से बात कर ले वो दोबारा किसी से बात ही नहीं करता, क्योंकि हमारे बच्चे प्रिपेयर्ड नहीं होते, उन्हें पता नहीं होता इंटरनेशनल लेवल पे हो क्या रहा है, बात कैसे करनी है, सलाम कैसे लेनी है। तो उसकी ये रीज़न होती है फेलियर की। तो जब आप फेलियर होते हैं तो आप सिर्फ अपना रास्ता नहीं बंद कर रहे होते, साथ बेशुमार और लोगों का रास्ता भी बंद कर रहे होते हैं। तो डज इट आंसर योर क्वेश्चन? तो हमें सेल्फ अवेयरनेस पता होनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि हमारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या हैं, क्या कहते हैं वीक पॉइंट्स क्या हैं, और उसके बाद जो है हमें उन पर काम करना चाहिए। ये तीन चार क्वेश्चन हैं, मैं जल्दी से रीड कर देता हूँ। सर टाइम मैनेजमेंट के हवाले से गाइड करें। टाइम मैनेजमेंट के हवाले से ये है कि रोज़ाना मुंह उठा के एक क्लास में आ जाए खुद गुरु के, मुंह उठा के मीन प्रिपेयर होने की कोई ज़रूरत नहीं है, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ क्लास में आ जाए तो कुछ महीनों बाद आप वर्ल्ड क्लास प्रोफेशनल होंगे। अगर थके हुए चुप करके बैठे रहें, चाय पीते रहें, अगर फ्रेश है थोड़ा सा बोल भी लें, तो दिस इज द बेस्ट वे टू लर्न, दिस इज हाउ गॉड हैज मेड ह्यूमन ब्रेन टू लर्न न्यू थिंग्स, इंसान ऐसे सीखते। ठीक है। तो और दूसरा ये है कि जिस तरीके से यूनिवर्सिटी सिखाती है कि पहले प्रीरेक्विजिट हो, पहले प्रीरेक्विजिट करो, फिर उससे नेक्स्ट टॉपिक, उससे नेक्स्ट एडवांस सब्जेक्ट होगा, फिर उससे नेक्स्ट एडवांस सब्जेक्ट होगा, तो वो देखने में तो चीज़ ठीक लगती है, लेकिन अल्लाह ने ह्यूमन ब्रेन ऐसे नहीं बनाया हुआ भाई। इसीलिए यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट्स हैं 90% वो एक्चुअल लाइफ में फेल हो जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं था करना क्या। तो ये क्या कहते हैं कि दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन है प्रीरिक्विजिट क्या है जी सेशन मॉडरेट करने के लिए? कोई भी प्रीरिक्विजिट नहीं है जनाब, हमारे स्लैक पे बता दें मैंने सेशन मॉडरेट करना है, हम आपको सेशन दे देंगे, अगर आपको इस टाइम है जरूर मॉडरेट करें। यानी कि आपने मॉडरेट करने वाले स्टेप पे जाना ही जाना है। अगर आप बिजी होते हैं, थके होते हैं, थोड़ा देर से उस लेवल पे जाएंगे, अगर आप फ्रेश हैं तो जल्दी से चले जाएंगे। जी सातवां क्वेश्चन है कि जीपीए कम है तो क्या करें? भाई जीपीए कम है तो उससे एडवांस डिग्री में एमएस में एडमिशन ले लें और उसमें जीपीए 3 से ऊपर करें, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। तो अगर आपने करोड़ों रुपए की सैलरी लेनी है तो इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। तो जी मोहम्मद अरसलान का क्वेश्चन है कि जी एक वक्त में एक से ज्यादा कोर्सेज करें, अगर आपके पास टाइम है एनर्जी है तो जरूर करें, अगर आप थके हुए हैं तो अपने आप को ओवरलोड ना करें, वो उल्टा नुकसान दे देता है आपको, वो नहीं करना चाहिए। दैट इज नॉट गुड फॉर योर ब्रेन, आपको कोई चीज़ याद नहीं होगी, फिर आपके सीवी में वो चीज़ होगी, आप कहेंगे वो चीज़ की हुई है, लेकिन जब कोई बंदा बात करेगा
उसे वो चीज़ मिलेगी नहीं आपके अंदर से, ये फर्क हो जाता है। तो हमारे जो यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स हैं वो भी मोस्टली बर्नआउट हुए होते हैं, और उसकी वजह से उन्हें चीज़ वो आती नहीं होती। हालांकि सीवी कह रहा था कि ये बंदा, इसने BA 4 साल कंप्यूटर पढ़ा है, लेकिन जब बात करें तो पता चलता है कंप्यूटर का इस बंदे से लेना देना कोई खास नहीं। जी किसी और क्वेश्चन प्लीज टॉक, मैं ही जी बोलता जा सर, रहा हूँ फिलहाल। सर ये क्वेश्चन ये था कि वो मेरे एक दोस्त है, वो हाईकोर्ट गुरु का स्टूडेंट तो है लेकिन अभी वो अवेलेबल नहीं है। तो उसके सर, वो उसका जर्मनी में एडमिशन हो गया है और उसका सारा कुछ वो क्लियर है, बट वो ये पूछना चाह रहा था कि अगर, यानी कि वो कहता है कि पहले मैं जर्मनी चला जाता हूँ, वहां से US आ जाऊंगा, या फिर ये कि यहीं से जो है वो जर्मनी का वो लाइक कैंसिल कर दे और यहाँ से अभी GRE करके और US में अप्लाई करे। तो सर इस पे आपकी सजेशन चाह रहा था, तो काइंडली। जी हमारे साथ सर आसिफ रसूल हैं, जो दोनों जी, इन्हें दोनों चीज़ों का एक्सपीरियंस था। तो सर अगर आप कुछ इस बारे में रोशन डालें तो। सर मैं ये मशवरा दूंगा कि उन्हें बोलें कि जर्मनी का एडमिशन जो है वो छोड़ दें, जहाँ पे अगर 1 साल मेहनत किया तो थोड़ी सी मेहनत और करके US वाली साइट पे अप्लाई कर लो। ओके सर, थैंक यू। अगर आप तो थोड़ा जी सा यानी सर्च करें ना तो आपको YouTube के ऊपर काफी वीडियोस मिल जाएंगी कि लोग, पाकिस्तानी जो लोग हैं वो जर्मनी में डिग्री करते हैं, यहाँ पे जॉब करते हैं और फिर जॉब छोड़ के US शिफ्ट हो जाते हैं जॉब पे ही ना। तो ऑफ कोर्स वो सीनियर लोग अगर शिफ्ट हो रहे हैं तो उसके पीछे बहुत सी रीजंस हैं, जो कि शायद अभी इतना टाइम और मुनासिब जगह भी नहीं है कि मैं वो चीजें डिस्कस करूँ। तो दैट सर इज काइंडली इसका छोटा सा आंसर कर दें कि लाइक अगर जर्मनी से मिसाल के तौर पे अगर वो डिग्री हम, मैं या वो या जो भी अगर बंदा करे, तो क्या उसके US जाने के चांसेस जो जॉब वीज़ा पे ज़्यादा होते हैं, या फिर वहाँ से भी लाइक स्टडी वीज़ा पे ही फिर भी अच्छा, जाना पड़ेगा? मैं इसका आंसर दे देता हूँ। क्या जर्मनी में जाने से टाइपिंग स्पीड 100 वर्ड पर मिनट हो जाती है? नो सर, वो तो एफर्ट से ही होगी नहीं अगर होती। जॉब। अच्छा, क्या जर्मनी जाने से लीड कोड आ जाता है? नो सर, अच्छा, क्या जर्मनी जाने से वॉलंटियर एक्सपीरियंस CV पे ऐड होता है? नो सर, ये भी क्या नहीं है। जर्मनी जाने से इंटरनेशनल अवार्ड आ जाते हैं? नो सर, तो फिर जर्मनी क्यों जाना? क्या गूगल जर्मनी से बंदे रखता है? एक और गूगल, चीज एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट? जो थोड़े प्रैक्टिकल साइड से है प्रॉब्लम्स, कि एक तो आप 11,000 यूरो जो है वो ब्लॉक अकाउंट में रख के आएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे आपको चूंकि स्कॉलरशिप नहीं होगा तो आपको जो है वो अपनी अकोमोडेशन और फूड के पैसे खुद कमाने पड़ेंगे, तो आप सारे सब्जेक्ट सेमेस्टर में नहीं पिक कर पाओगे। तो आपकी डिग्री एक 3 साल पे जाएगी, 2 साल की डिग्री 3 साल पे जाएगी। दूसरा, जो हार्डशिप्स होती हैं यहाँ पे जॉब्स के हवाले से, ऑड जॉब के हवाले से या पार्ट टाइम जॉब के हवाले से, उनका एक अलग लेवल है। और वो करने के साथ साथ आपने जो 3 साल यहाँ पे लगाने हैं, वो 1 साल पाकिस्तान में हाईकोर्ट गुरु पे एफर्ट करके US चले जाएं, जहाँ पे आपको 2 साल की डिग्री 2 साल में ही होनी है और फुली फंडेड स्कॉलरशिप पे होनी है, जहाँ पे आपको पार्ट टाइम जॉब भी नहीं करनी पड़नी, आपको सिर्फ 2 साल पढ़ना है। तो आप खुद पिक जी कर लें सर, कौन सी साइड बेहतर है। जी सर, गॉट इट। तो जी किसी और कोई क्वेश्चन, फीडबैक, रिक्वेस्ट? सर एक और क्वेश्चन भी, जी सर पूछिए मैम। वो, सर मैं एक्सप्लेन कर, सर वो पूछ रहे हैं, सर वो पूछ रहे हैं हाउ टू इनहांस आवर इंटरनल मोटिवेशन। लाइक हमारी मोटिवेशन शुरू शुरू में बहुत अच्छी होती है, कुछ टाइम बाद मोटिवेशन जो है वो हम लूज कर जाते हैं,
तो उसके लिए क्या करें सर? इस बात का मुझे भी नहीं पता। मुझे आप पूछें कि मैं सुबह 3 बजे क्यों उठाऊं आप लोगों से बात करने। ऐसा तो नहीं कि मुझे नींद नहीं थी आ रही, मैं फिर भी उठाऊं। तो आई डोंट नो इसका क्या आंसर होना चाहिए। तो सर, आई वुड ऐड के अगर हम अपने जो लॉन्ग टर्म गोल्स हैं उनको ऐसी जगह पे लिख लें जहाँ पे आते जाते हमारी नज़र पड़ती रहे, और हम अपनी रेगुलर एक्सरसाइज को अपने रूटीन का हिस्सा बनाएं, तो आई गेस कि मोटिवेशन जो है वो मेंटेन रहती है। सर, एक चीज आपने लाइक हमें सिखाई है कि अपना जो अपनी जो कंपनी है सर, वो बेसिकली ऐसे लोगों को रखें जो ऑलरेडी मोटिवेटेड हैं। आप लोग एक दूसरे को देखकर जो मोटिवेट होते हैं कि अच्छा वो लर्न कर रहा है ये चीज, तो एक दूसरे को देखकर जो होता है वो वहां से भी मोटिवेशन आती है कि आप लोगों की जो कंपनी है वो बहुत इफेक्ट करती है। तो अगर आप ऐसे लोगों के साथ कनेक्टेड हैं जो ऑलरेडी अपने इस गोल पर वर्क कर रहे हैं और लाइक ये सेशंस ले रहे हैं और इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स में जा रहे हैं, तो आप एक दूसरे को देखकर जो मोटिवेशन मिलती है वहां से जो है आपका लाइक वो लेवल है वो इंक्रीज होता रहता है और आप मोटिवेटेड रहते हैं। तो ये भी हमने सर से ही सीखा है। थैंक यू सो मच एग्जैक्ट सर। जी, मैं भी मैम आशा ने जो बात की इसको सेकंड करूंगा। एक तो ये बहुत अच्छी चीज है कि आप अपनी गैदरिंग के अंदर सिर्फ उन्हीं लोगों को रखें कि जो कि मोटिवेटेड हैं और खुद भी मोटिवेटेड हैं और पॉजिटिविटी फैलाते भी हैं। जो लोग नेगेटिव थॉट्स खुद अपने अंदर रखते हैं और नेगेटिविटी फैलाते हैं, आप उनसे थोड़ी सी किनारा कशी अख्तियार करें, भले सब आपके क्लोज वंस हों तो आप उनसे थोड़ा सा दूर रहें। एक तो सबसे पहले पहली बात ये है। दूसरी बात ये कि आप अपना जो वाय है कि मैं ये काम क्यों कर रहा हूँ उसको बहुत ज्यादा स्ट्रांग रखें। अगर तो आपके पास सॉलिड वाय नहीं है, सॉलिड रीजनिंग नहीं है किसी काम करने की, तो आप इवेंचुअली वो काम छोड़ देंगे। लेकिन अगर आपके पास सॉलिड रीजनिंग है कुछ काम करने की, तो भले से आपकी मोटिवेशन कभी डाउन हो भी, तो कुछ अरसे बाद आपको दोबारा ख्याल आएगा कि मेरे पास ये रीजनिंग है और वो ही रीजन आपको दोबारा से मोटिवेट करेगी। तो कोई भी काम आप कर रहे हैं उससे पहले आप ये सोच लें कि ये मैं क्यों कर रहा हूँ, क्या मेरा टाइम इस पे लगना चाहिए, क्या मैं अगले 10 साल भी इसके ऊपर लगाऊं तो ये वर्थ इट है या नहीं है। अगर तो वो काम वर्थ इट है तो फिर आप उसको करना शुरू करें। अगर तो सिर्फ आप ट्राई कर रहे हैं तो ट्राई करने के बाद थोड़ी सी आपके पास डिमोटिवेशन आएगी और आप गिर जाएंगे वहीं पे। सो एक सॉलिड वाई जरूर रखें अपने साथ, यही मोटिवेशन के लिए हमारे पास हो सकता है। जी, तो वो जो है अरहाम अंसारी का क्वेश्चन है कि कैन वी गो टू फैंक कंपनीज विदाउट डूइंग मास्टर्स। तो अरहाम, अगर आपको 1 करोड़ रुपए महीने की सैलरी मिलनी हो तो आप उसके लिए मास्टर करना पसंद करेंगे या वैसे चले जाएं? पाकिस्तान से कभी कोई गया फैंक में? नहीं जाते लोग, तो ये मुश्किल राउट है, वेरी डिफिकल्ट टू मेक इट हैपन। तो अगर आप, ये बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह आपने पाकिस्तान की सबसे टॉप की जगह पे जॉब करनी हो जिसमें लम्स फास्ट एचिसन के लोग आते हैं और बीच में एक बच्चा पंजाब या सिंध के गांव से कहे कि मैंने भी डायरेक्ट उधर ही जाना, मैंने मास्टर भी नहीं करना कराची से, तो वो बंदा अगर चल टेक्निकली भी अच्छा हो तो वो कल्चरली फिट नहीं होगा। एक और बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है मुजम्मल तारड़ का कि ये कैसे पता चलेगा कि डिग्री कौन सी करनी चाहिए, मेरा एप्टीट्यूड किधर है, इंटरेस्ट किधर है। तो मुजम्मल, जो मैंने लर्निंग की है फाइंडिंग योर एप्टीट्यूड कम्स अंडर अयाशी,
जितने दुनिया में लोग इस वक्त कंप्यूटर साइंस या AI कर रहे हैं, किसी का भी, और यहाँ हिस्ट्री में जो लोग टॉप की डोमेन्स में जाते हैं वो इसलिए नहीं जाते कि उनका एप्टीट्यूड रहता है, वो इसलिए जाते हैं कि उसमें जॉब अपॉर्चुनिटी ज्यादा होती है, लर्निंग ज्यादा होती है, पैसा ज्यादा होता है। मसलन आप क्योंकि मुझे मेरा एप्टीट्यूड है कि मैंने शायर बनना है, तो फिर आप भूखे बनने मरने के लिए तैयार हो जाए। तो मोस्टली लोगों का जो एप्टीट्यूड होता है वो पैसे से होता है, बताते हैं कि अल्लाह ने हमें दिमाग दिया कि हम नॉर्मली लॉजिकल डिसीजन कर सकते हैं, तो जिस डोमेन में ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हम उसमें जाएंगे। तो अभी ये देखना कि सर आसिफ रसूल ने माशाल्लाह हमें जर्मनी से ज्वाइन किया हुआ, तो देखें ये इनकी मोटिवेशन है कि पाकिस्तान आगे जाए, पाकिस्तानी बच्चों का भला हो, पाकिस्तानी बच्चों को इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज नजर हैं। तो जी नेक्स्ट किसी साथी का कोई कमेंट? सर, मेरा एक क्वेश्चन था कि आयकर गुरु के जो मोस्टली स्टूडेंट्स है वो जिस तरह से माशाल्लाह वहाँ पे US में जाके भी वो टॉप करते हैं, तो आप कहते हैं कि जहाज में बैठने से पहले उनकी तैयारी हम करवा देते हैं, तो सर जो मास्टर्स के वो सब्जेक्ट्स यहाँ से पढ़ के जाते हैं या सिर्फ इन दी एंड उनको लीड कोड ही इनफ होता है वहाँ पे टॉप करने के लिए? नहीं, मास्टर पूरा करके करते हैं, अगर मास्टर पूरा नहीं करेंगे तो वो वहाँ फेल हो जाएंगे मोस्टली। अगर आप वैसे नॉर्मल जिस तरह पाकिस्तानी बच्चे होते हैं, आपका एडमिशन हो जाए, आप मास्टर में जाए, आप फेल हो जाएंगे, क्योंकि जो बाकी क्लास है वो दुनिया की टॉप के बच्चे होते हैं, जेनुअनली अच्छे होते हैं, GPA अच्छा होता है, उनकी एजुकेशन अच्छी होती है, उन्हें इंग्लिश अच्छी आती है, उनको अवेयरनेस ज्यादा होती है, तो आप क्लास में सबसे पीछे होंगे। तो हमें सेल्फ अवेयर होना चाहिए कि हमें ये सारी कमजोरियां हैं, तो इन कमजोरियों के बावजूद GPA अच्छा कैसे लेना है, फिर मास्टर पूरा पाकिस्तान से करके चले जाओ। डज इट आंसर योर क्वेश्चन? यस तो सर, थैंक यू सो मच। हमारी प्लानिंग बेहतर होती है। बिल्कुल सर, नो डाउट सर। एक और क्वेश्चन था कि मेरे कजनों ने A-levels O-levels किया हुआ है, तो आप ये प्रेफर करेंगे कि वो बैचलर्स ही बाहर से करें या बैचलर्स उनको पाकिस्तान से करना चाहिए? बैचलर मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ पाकिस्तान से करना चाहिए। अगर आपने देखना तो आप खुद देख लें कि बाकी कितने लोग हैं जो बाहर से बैचलर करते हैं, बाहर से बैचलर करने का कोई फायदा नहीं होता। तो ये बैचलर पाकिस्तान से ज़बरदस्त है, इवन VU का बैचलर बहुत है, गूगल में जाने के लिए, एप्पल में जाने के लिए, माइक्रोसॉफ्ट में जाने के लिए, दुनिया की किसी भी कंपनी में जाने के ओके सर, थैंक यू सो मच। लिए। देखिए सर अब क्वेश्चन सारे क्वेश्चन समझ आ गए हैं माशाल्लाह। तो आप में से कौन कौन बंदा अमेरिका जा रहा है, कौन कौन समझ रहा है कि ही इज प्रिपेयरिंग फॉर द बेस्ट कंपनीज इन द वर्ल्ड, और वो 10 साल बाद अरबपति होगा, या कौन सा सोच रहा है ऐसा करने को? सर मैं सोच रहा हूँ। सही, बाकी लोग हैंड रेस कर दो जो सोच रहे हैं। ठीक है, तो जनाब इसमें कुछ नए नए नाम है, तो अगर 10 दिन बाद आप आई कोड गुरु पे प्रेजेंट नहीं कर रहे तो आप इजीली समझ सकते हैं कि आप अपने आप से झूठ बोल रहे थे और यू आर नॉट सीरियस, है ना। सही है, तो ये क्वेश्चन है कि लीड कोड में कौन सा क्वेश्चन टॉप करें, पहले 200 सवाल कोई से भी कर लें लीड कोड में। अगर मैं आपकी जगह हूं तो मैं चूंकि कामचोर बनता हूँ तो मैं सिर्फ लीड कोड की क्लास में आऊंगा, जो मॉडरेटर क्वेश्चन करता जाएगा मैं आंखें बंद कर करता जाऊंगा।
क्योंकि मैं सोचता आदमी मेरे अंदर इतनी एनर्जी नहीं है कि मैं जाकर खुद क्वेश्चन चूज करूँ, उसके बाद मैं देखना शुरू करूँगा कि अच्छा कौन सा करना। तो ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन की गई हैं उन टॉक्स में, ये सारी चीज़ें हम सेशन में बात करते रहते हैं। तो ये जो आज का सेशन है ये नेचुरल साइंस बैच 2 का भी पाइथन का कोर्स है, तो हम इसमें से कुछ लोगों को स्कॉलरशिप भी देंगे जो कोई रेगुलर रहेंगे। लेकिन स्कॉलरशिप के अलावा भी इफ़ यू हैव अ बिगर ड्रीम इन लाइफ एंड यू पुट योर 100% एफर्ट, तो आई कोड गुरु की टीम आपके लिए 200% एफर्ट पुट करेगी। हम आपको गाइड भी करेंगे, हम आपको लेजर फोकस्ड करिकुलम भी देंगे जिसको फॉलो करते हुए आप हार्वर्ड, MIT, स्टैनफर्ड, येल के कैंडिडेट्स से आगे निकल जाएंगे। ठीक है? तो और आप अगर गौर फरमाएं तो मैंने इसमें पाकिस्तानी किसी इंस्टीट्यूट का नाम नहीं लिया, मैंने इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स का नाम लिया, क्योंकि गूगल में इन यूनिवर्सिटीज के भी जो सक्सेस रेट है वो 10% से ज़्यादा नहीं है, तो हमारा सक्सेस रेट माशाल्लाह काफ़ी हाई होता है। तो हमें आपसे सिर्फ थोड़ा सा टाइम चाहिए, थोड़ी सी एफर्ट चाहिए। अगर आप वो देने के लिए तैयार हैं और आप किसी और ज़्यादा इम्पोर्टेंट टास्क में बिजी नहीं हो जाते तो देन इट इज़ वेरी डूएबल। ठीक है, किसी और कोई लास्ट कमेंट जी, कोई चीज़ जो हम इम्प्रूव कर सकें, कोई चीज़ जो आपके ख्याल में बेहतर हो सकती है, फील फ्री टू आस्क। तो मैं यहाँ तो मैं बाद में बता भी दूंगा कि क्या कहते हैं कि अगर अच्छा आइडिया हो तो हम इस पे काम करने की कोशिश करेंगे, उसे एड्रेस करेंगे। अगर नहीं अच्छा आइडिया हो तो एक्सप्लेन कर देंगे क्योंकि हमारे ख्याल में ये चीज़ ठीक क्यों नहीं। जी आयशान दिलीप का क्वेश्चन है। हाँ जी पूछें, क्वेश्चन के लिए कह रहा हूँ कि जी कैरियर एडवाइस के लिए पूछना, प्रेफरेबली माइक ओपन करें और पूछें। जी वालेकुम सलाम। सर मैं अस्सलाम एक्चुअली जी, पूछे पूछ ले आप। पूछें आप पहले, मैं पूछ लेता हूँ बाद। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज आयशान दिलीप। मैं ये सेशंस में फर्स्ट टाइम आज ज्वाइन किया और ये मेरा फर्स्ट सेशन है। मैं ये क्वेश्चन पूछना चाह रही थी कैरियर एडवाइस के लिए। आई एम इन फिफ्थ सेमेस्टर और मुझे मास्टर डेटा डोमेन में करने के लिए कुछ क्वेश्चन पूछना था कि डेटा साइंस को सीखने के लिए और उसमें रिसर्च करने के लिए कितना टाइम लगता है और किस किस चीज़ों में एक्सपर्टीज होना जरूरी है और इस डोमेन में कैसे बंदा अपना कैरियर बनाए और अपने मास्टर्स के साथ अपनी स्टडीज अपनी सॉरी बैचलर्स के साथ स्टडीज के साथ। अच्छा, ये क्वेश्चन काफ़ी सारे लोगों का होता है जी सर और हम एज अ नेशन ना सच बोलने से शर्माते हैं या घबराते हैं। ये क्वेश्चन होना नहीं चाहिए, दिस इज़ अ रॉन्ग अप्रोच टूवर्ड्स कैरियर, दिस टेक यू टूवर्ड्स फेलियर। उसकी रीज़न क्या है कि डेटा साइंस अभी बड़ी ज़बरदस्त है, 5 साल तक ज़बरदस्त रहेगी और इसके बाद ये ख़त्म हो जाएगी। लेकिन आपका कैरियर तो माशाल्लाह अगले 40 साल चलना है, जी सर तो आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए कि मैं कैरियर में 40 साल टॉप पे कैसे रह सकती हूँ, हाउ कैन आई मेक टॉप डॉलर्स फ्रॉम माई कैरियर। यस सर ठीक है, उसके लिए पहली तो बात यह है कि जब तक आपने रिटायर नहीं होना, यू शुड बी एबल टू लर्न न्यू टेक्नोलॉजीज, जिस तरह मैं सीखता हूँ, जी सर राइट? तो अगर मैं ना सीख रहा था तो मैं खुद ही अब्सोल्यूट हो जाता, रिटायर हो जाता, किसी गवर्नमेंट जॉब पे काम कर रहा होता। ठीक है, और दूसरी चीज़ है जो कि जब देखें अगर कहीं पे मजदूर मजदूरी कर रहे हों और एक बंदा हो जो बहुत तगड़ा हो तो वो हर एक को नजर आएगा कि तगड़ा है, और एक बंदा मस्कीन सा हो शक्ल से लेकिन जब वो वजन उठाएगा तो सबको पता चल जाएगा इस बंदे ये बंदा तगड़ा है, बेशक उसकी बॉडी जैसी भी हो।
ऐसा ही है? यस सर, तो जब आप बात करें, जब आप बोलें, जब आप लिखें, तो अगले बंदे को पता होना चाहिए कि आयशा अंदलीब मेरे से ज्यादा अच्छी प्रोफेशनल है। यस सर, ठीक है, उसके लिए पहले तो टाइपिंग स्पीड आपकी 100 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए, और उसके लिए रोजाना के 15 से 30 मिनट साइड पे रख दें, दीवार पे लिख दें टाइपिंग स्पीड, और रोजाना प्रैक्टिस करें। मेजर करने की यस जरूरत नहीं है, 6-7 महीने बाद मेजर कर लीजिएगा। इसी तरह कोडिंग आपकी टॉप क्लास होनी चाहिए। अच्छा डाटा साइंटिस्ट बनने के लिए कोडिंग अच्छी आनी चाहिए। अगर आपको कोडिंग नहीं आती तो आप डाटा टेक्नीशियन बनेंगे सिर्फ, जो रट्टा मारता होगा कोड को। यस सर, तो यू नीड टू बी अ गुड लीड कोडर। दूसरी चीज आपको ये, आप आज की डोमेन में ये क्वेश्चन होना चाहिए कि जो दुनिया की आज की टॉप की कंपनीज है उनमें कैसे जाते हैं। यस सर, डाटा डाटा साइंस इंपॉर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट ये कि आर यू गोइंग इनटू गूगल और नॉट। जी सर, ठीक है, तो उसके लिए इवन डाटा साइंस की टीम के लिए भी इंटरव्यू में डाटा साइंस नहीं पूछी जाती, लीड कोड पूछा जाता है, जी सर, क्योंकि उन्हें पता कि डाटा साइंस बंदा बाद में भी सीख लेता है। तो आज आप करने की क्या जरूरत है, आपका जो पहला गोल है वो है अमेरिका में फुली फंडेड स्कॉलरशिप लेना। अभी आपको उसके लिए लाइन करना चाहिए अपने आप को। यस तो सर, मैं खुद छठे यूजीसी छठे सेमेस्टर में, तक बात तो मेरी पूरी हो रहने सॉरी सर, सॉरी, में, छठे सेमेस्टर तक लीड कोड करें और टाइपिंग करें, उसके फौरन बाद आइल्स और जीआरई खत्म करें और अप्लाई करना शुरू कर दें स्कॉलरशिप के लिए। और जिस तरह आप रेगुलरली खाना खाती हैं, रोज महीने में कम से कम एक इंटरनेशनल हैकाथॉन में लाजमी जाए। फ्रेश हूँ ना हूँ, बिजी हूँ ना हूँ, बीमार हूँ ना हूँ, इंटरनेशनल हैकाथॉन में जाएं। और जब आप अप्लाई कर रहे हो तो कोशिश करें आपका कम से कम 50 वीडियो लेक्चर हों जो आप प्रोफेसर को दिखा सकें, उसे कन्विंस करने के लिए कि यू आर बेटर सही देन द बात दोबारा कौन कंपटीशन। सा, सही दोबारा आपको, बात बता, हाँ, आपके कम से कम 50 लेक्चर होने चाहिए जब आप अप्लाई कर रहे हैं, वीडियो लेक्चर्स जिनके आप लिंक प्रोफेसर को भेज सकें। ठीक है, कि मैं वॉलंटियर टीचिंग करती हूँ, ये देखो हेयर आर सम ऑफ माई लेक्चर्स, हालांकि वो सारे ही होंगे, तो उसमें 50 कुछ लेक्चर भेज दें, वो देखे भाई ये बंदा तो चलती फिरती मशीन है, इस बंदे को तो हेजिटेशन ही कोई नहीं है, ये तो बंदा कहीं पे भी खड़े हो गए इतना अच्छा एक्सप्लेन कर लेता चीज़ों को, तो वो इम्प्रेसिव चीज़ें होती हैं। राइट, मैं सर जी दूसरे सर, अल्फाज में आपसे पूछता हूँ कि मैंने आपको गूगल के रिक्रूटर को रिकमेंड करना, तो मैं उसे क्या बताऊं कि आपको क्यों इंटरव्यू करें? हाँ जी, तो आपके पास आंसर होना चाहिए इस चीज का। अगर आपके पास आंसर नहीं है तो किसी के पास भी नहीं है, इसका मतलब। सही है, चलें जी, थैंक यू वेरी मच, सब लोगों ने इतना सुना मुझे तो। सर एक बात दोबारा जी क्लियर पूछें। कीजिएगा, जो सर जी आपने बोला था आपके पास 50 से ज्यादा रिकॉर्डेड लेक्चर्स होने चाहिए जो आप मेल करें, और सर ये इसलिए आप बोल रहे थे कि जो स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई किया जाता है उनके लिए? हाँ, उनके लिए बिल्कुल। प्रोफेसर को आप लिंक भेजेंगे ना सीवी के साथ, जी आपके सीवी जी में उनके लिंक्स होने चाहिए। राइट, सर, एक क्वेश्चन काइंडली मुझे क्लियर कीजिएगा, मेरा ये थोड़ा कंफ्यूजन है। मोस्टली यूट्यूबर्स ये भी बहुत ज्यादा कह रहे होते हैं कि अगर आप लोगों को मास्टर के लिए स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना हो तो आपके लिए ना ये भी मस्ट होना चाहिए कि आपने कुछ ना कुछ रिसर्च की हो, तो मैं इसलिए मेरा जो पहला क्वेश्चन था मेरा इसी के रिलेटेड ही था, और अच्छा मैं ठीक इसी में है। बहुत ज्यादा वो कंफ्यूज जो हूँ। जितने यूट्यूबर हैं ना, जी सर, वो उनके दो स्टूडेंट भी अमेरिका नहीं आए होते, और वो खुद भी गूगल नहीं गए होते। यस सर, तो आई कोड गुरु की जो टीम है, इसके फ्यू थाउजेंड स्टूडेंट्स दुनिया की टॉप जगहों पे हैं। माशाल्लाह, ठीक है, तो वी आर अ सॉलिड थिंग इन सिलिकॉन वैली, हमारे हिसाब से ज्यादा स्टूडेंट्स हैं गूगल एप्पल वगैरह माशाल्लाह, माइक्रोसॉफ्ट इट्स में। राइट, तो वी नो व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। यस सर, जिस तरह तो हम कहते सर हैं कि इंटर्नशिप ना करें, इंटर्नशिप वेस्ट ऑफ टाइम होता है, यस सर, तो हमारे स्टूडेंट इंटर्नशिप नहीं करते। हम कहते हैं कि आपने 90 दिन में 30 एक इंटर्नशिप करनी है, जिसे सीवी पे एक लाइन ऐड होगी, तो आप इन 90 डेज में 30 इंटरनेशनल हैकाथॉन में जा सकते हैं।
जिसमें आप 30 डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाएंगे, ठीक है, जिसमें अपने यस सौ सर, डेढ़ सौ इंटरनेशनल इंजीनियर के साथ काम किया होगा। यस सर, तो प्लीज रिकॉग्नाइज कि वी आर नॉट यूट्यूबर्स, यस सर, ठीक है, हम मेहनत करते हैं। ये बात याद रखें कि आपको पता है कि पिछले साल जीआई के से कितने लोग गए हैं इंटरनेशनल स्कॉलरशिप नो सर, पे, लम से कितने गए हैं, फास से कितने गए हैं, किसी और यूनिवर्सिटी से कितने गए हैं? यस किसी साथी को पता है? कोई बंदा गैस करेगा? सर, मेरे ख्याल में जनरली लम्ब से ज्यादा जाते हैं। अच्छा, पाकिस्तान की 75 ईयर हिस्ट्री में इन यूनिवर्सिटी से कभी कोई इंटरनेशनल स्कॉलरशिप पे नहीं गया। इनसे लोग जाते हैं ज़कात बेस्ड स्कॉलरशिप्स पे, जिसे हम जिसके नाम है फुल ब्राइट स्कॉलरशिप, रस्मस मंदिर स्कॉलरशिप, HEC स्कॉलरशिप। ये कोटा बेस्ड स्कॉलरशिप होते हैं। ये बिल्कुल इसी तरह किसी गांव में सैलाब आ जाए, गवर्नमेंट एड भेजे और उरना चौधरी के बंदे एड खुद ही खा जाए। तो हमारी जो इंटेलेक्चुअल एलीट है, जो दुनिया अपने ज़कात स्कॉलरशिप भेजती है, नीड बेस्ड स्कॉलरशिप भेजती है, वो खुद ही खा जाती है। तो पाकिस्तान की 75 ईयर हिस्ट्री में जो इंस्टीट्यूशन इंस्टीट्यूशन लेवल पे बच्चों को तैयार करता है ओपन स्कॉलरशिप्स के लिए, वो सिर्फ हाईकोर्ट गुरु है, वो कोई और नहीं है। इन यहाँ के बच्चों को इवन पता भी नहीं होता कि इंटरनेशनल अप्लाई कैसे करें, वो इवन अप्लाई नहीं करते। स्कॉलरशिप लेना तो बहुत दूर की बात है। तो इसलिए पिछले साल भी यहाँ से कोई नहीं गया। डज इट, ये बात सबको क्लियर है? सही है कि पाकिस्तान की जो इंटरनेशनल कोडिंग कंपटीशन ICPC, पाकिस्तान उसमें 10 साल से जा रहा है, 2014 में फर्स्ट टाइम गया था। तो कोई साथी गैस करेगा उसमें पाकिस्तान की पोजीशन कौन सी आती है? टॉप 10 में होता है, टॉप 20 में होता है, या टॉप 30 में होता है? गैस करेंगे कंट्रीज में से जी, वैसा आप गेस करें। तो पहले ये पाकिस्तान लेवल पे कंपटीशन होता है, फिर जो टीम विन करती है वो जाती है इंटरनेशनल। तो नॉर्मली ये टीम जो होती है, ये फास्ट लम्स GI के वगैरह की होती है। सबसे हमारी जो शार्प दिमाग होते हैं ना, वो इस कंपटीशन में जाते हैं। तो ये मोइजना का क्वेश्चन है, टॉप 10, सेलिन टॉप 30। पाकिस्तान पिछले 10 साल में इस कंपटीशन की हिस्ट्री में, जो दुनिया का सबसे रिस्पेक्टेड कंपटीशन है, जिसमें पहले पाकिस्तान में कंपटीशन होता है फिर इंटरनेशनल जाते हैं ये लोग, पाकिस्तान पिछले 10 साल में हमेशा सबसे नीचे आता है। ऑल ओवर द वर्ल्ड सबसे आखिरी नंबर पाकिस्तान को आता है, क्योंकि हमारा स्कोर होता है 0। हमारी जो शाह दिमाग है कंप्यूटर के, वो पिछले 10 साल में कभी भी कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाए इसके इंटरनेशनल राउंड। तो दीज आर द फैक्ट्स। तब सोचें कि पाकिस्तान को कोई प्रोफेसर क्यों सीरियस ले। तभी जो पाकिस्तान मेटा हैकर का को कंपटीशन हुआ था, उसमें पहले पाकिस्तान सिर्फ इंटरनेशनली तो हम कहीं एग्जिस्ट नहीं करते, पहली 3 पोजीशन में पाकिस्तान लेवल पे एक हाई स्कूल की आई, चौथी पोजीशन GIK की थी, पांचवी फिर उस स्कूल की थी, छठी पोजीशन फास्ट की थी। तो टॉप 10 में से 6 पोजीशन हाई स्कूल के बच्चों की कोडिंग। तो ये नंबर सबको क्लियर हो गए, या एक दो और मैं आपको नंबर बताऊं? यस सर, नंबर्स क्लियर है। एक क्वेश्चन है जी बोले। सर, ये आप लीड कोड के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम इसको अप्रोच ऐसे ही करें कि पहले हम DSA के लेक्चर्स लें और DSA में कॉन्सेप्ट्स अच्छे करके फिर हम लीड कोड अटेम्प्ट करें, या पहले ही लीड कोड जी अटेम्प्ट करें, ऐसा नहीं ऐसे है? ऐसे हाँ ऐसे यूनिवर्सिटीज पढ़ाती हैं, ऐसा ही है कि पहले चीज पढ़ाती हैं फिर उसकी प्रैक्टिस करवाती हैं, हाँ जी और सर, जी यूनिवर्सिटी के जो 90% स्टूडेंट्स हैं वो लाइफ में फेल होते हैं।
जी ठीक है। तो लीड कोड को ऐसे टारगेट करना है जिसमें लाइफ में बाकी चीजों को टारगेट करते हैं, तो लीड कोड करना शुरू कर दें, आस्ते आस्ते बेहतर होता जाएगा। जैसे सर ऐसे गेम ही खेलना अपने शुरू करते हैं। ऐसे बिल्कुल जैसे गेम खेलते हैं, जैसे आप चलना शुरू करते हैं, जैसे बोलना शुरू करते हैं। अल्लाह ने ह्यूमन ब्रेन ऐसे बनाया है कि ये आउट ऑफ ऑर्डर चीजों को लर्न कर सकता है, बिल्कुल मशीन लर्निंग के मॉडल की तरह, कि डाटा किसी भी ऑर्डर में दे वो ट्रेन हो जाता है। पर अल्लाह ने ह्यूमन ब्रेन को इस काबिल बनाया कि वो डॉट्स कनेक्ट कर सके, एंड दैट इज हाउ एक्चुअल प्रोफेशनल्स आर क्रिएटेड। थैंक यू सर, आपसे ना एक और मशवरा चाहिए था कि अगर हम जैसे 5 o'clock हम यूनिवर्सिटी से वापस आएं तो हमें लीड कोड किस टाइम करना चाहिए, सुबह शाम को? और सेकंडली हमें स्टार्ट में कितने करने चाहिए लीड कोड क्वेश्चंस? यार अगर मैं आपकी जगह हूं तो मैं अच्छा तो लीड कोड करूंगा ही नहीं, मैं सिर्फ हाई कोड गुरु की क्लास में आ जाऊँ और जो वो करवा रहे होंगे ना लीड कोड का वो कर लूंगा, मैं ठीक ये है सर, टेंशन ही नहीं जैसे लूंगा। हम जैसे मैं देख रहा था DSA की जो क्लास है वो सुबह 7 बजे होती है और रात को 9 बजे होती है, तो हम किसी भी बिल्कुल एक क्लास में आ जाएं। बिल्कुल किसी भी क्लास में आ जाए, इसके अलावा सिस्टम डिजाइन की क्लास है वो भी सीधी होती है, उसमें भी बेशक आ जाए। तो ठीक है क्लासों सर, में आए, शोर बोलाएं, अपना जितना नॉलेज है वो बोलें, जो चीज नहीं आती, एक दो चीजें नहीं आती है वो नोट डाउन कर लें, बाद में उनको गूगल कर लें, आधे पौने घंटे में उसका कॉन्सेप्ट पढ़ लें। तो दैट इज द वे टू लर्न, दैट इज हाउ आई विल अप्रोच इट। सर लास्टली मेरा ये क्वेश्चन है कि हम अगर इसको 3 से 4 मंथ्स या जितना भी हमें टाइम रिक्वायर्ड हो उसमें हम एक 100 या 150 के मार्क तक लीड कोड क्वेश्चंस कर लें, तो उसके बाद फिर हम हायर लेवल पे कैसे जा सकते हैं? आपके जो 4 वेबिनार्स हैं वो आपने कहा था कि आप सुने, तो उसके अंदर ये सारा प्रोसीजर बताया गया कि हम लीड कोड क्वेश्चंस करने के बाद कैसे स्कॉलरशिप में अप्लाई कर सकते हैं, और उसके बाद हम अपने जो आप बता रहे थे कैरियर जी सर्विसेज उसमें में। सारे हाँ उसमें सारे स्टेप्स बताए गए ठीक है, लेकिन लीड कोड इज अ वे ऑफ लाइफ। ठीक है सर, लीड कोड उसी तरह करना चाहिए जिस हम रोज खाना खाते हैं, जिस दिन रिटायर होना वो लीड कोड बंद कर दे, रेगुलर होना चाहिए, कंसिस्टेंट होना, आपको पता होना चाहिए मैंने अगले 20 साल करना है ये, राइट। ये बिल्कुल उसी तरह जैसे आप दोस्तों से रोज गप मारते हैं, ठीक है। तो जज़ाकअल्लाह। लेकिन इसका ये मतलब ये है कि इतना ज्यादा जोर ना लगाएं कि आप 3 महीने बाद छोड़ दें, ये आयशा दिलीप मेरे 4 वेबिनार, ये पूछ रही है कि फुली फंडेड स्कॉलरशिप के लिए क्या चीजें रिक्वायर्ड हैं, मेरे 4 वेबिनार सुन लें, तो उनमें यही चीज डिस्कस की गई, पूरे का पूरा कैरियर डिस्कस किया गया कि स्कॉलरशिप कैसे लेना है, बाद में अच्छी नौकरी कैसे लेनी है ताकि आपका कैरियर अच्छा स्टार्ट हो सके। तभी एक और नंबर मेरे जहन में, फिर मैं आप लोगों को बता दूं कि पाकिस्तान से जो लोग यूनाइटेड स्टेट्स आते हैं पिछले 25 साल में वो 10 गुना कम हो गए हैं, हाई टेक जॉब्स के ऊपर, H1B जॉब्स के ऊपर। वो 99 में इंडियन 25% आ रहे थे, चाइनीज 25% थे, पाकिस्तानी 3% थे, ऑल ओवर द वर्ल्ड रेशियो में से। आज के दौर में आप इंटरनेट पे चेक कर सकते हैं, इंडियन 76% हो, यानी कि दुनिया पूरी दुनिया से जितने लोग अमेरिका आते हैं हर 4 में से 3 लोग इंडियन, और चाइनीज 10% है, पाकिस्तानी 0.3% है। लेकिन ये नंबर सिर्फ चाइना का नहीं है, अगर आप यूरोप में देखें जो हाईटेक जॉब्स के लिए लोग जाते हैं, या दुबई में जो लोग जाते हैं, अबूजाबी वगैरह में, UAE में, वहां पे भी इंडियन आर अबाउट 70 to 80%। जो US में फैकल्टी है जिसमें लाखों प्रोफेसर आते हैं, क्योंकि यहाँ पर 4,000 यूनिवर्सिटीज हैं, मेरा ख्याल इंडियन हाफ से ज़्यादा होंगे, पाकिस्तानी 50 से भी कम है। तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि परहैप्स इंडिया ऊपर की तरफ से टॉप कर रहा है और हम नीचे की तरफ से टॉप कर रहे हैं, यानी कि हम बॉटम के करीब करीब हैं। दिस इज द रियल फैक्ट, वी शुड बी अवेयर ऑफ दिस फैक्ट। तो आई कोड गुरु पे हम आप लोगों का प्रोफाइल इस लेवल का बनाते हैं कि डिस्पाइट बीइंग फ्रॉम अ लेस नॉन कंट्री टेक्निकली आप स्टैंड आउट करें। जी नंबर पे किसी को कमेंट? सर ये एक बात है कि डिस्पाइट ऑफ एनी फील्ड इन विच वी आर इन, हमें लीड कोड जरूर अटेम्प्ट करना है, चाहे हम इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, चाहे हम नेचुरल साइंस के स्टूडेंट हैं, चाहे हम किसी भी फील्ड में, लीड कोड जरूरी है। आपका मतलब यही है ना?
अगर आप लीड कोड अगर आपको लीड कोड नहीं आता तो आप आज की दुनिया में यूजलेस हैं, आप अनपढ़ हैं। आप किराना स्टोर अच्छा खोल सकते हैं, रेडी अच्छी लगा सकते हैं, बाकी कोई काम नहीं कर सकते। ग्रेजुएट लेवल का आप काम नहीं कर सकते, आप टेक्नीशियन हो सकते हैं, AI टेक्नीशियन, वेब टेक्नीशियन, साइबर सिक्योरिटी टेक्नीशियन, आप इंजीनियर नहीं हो सकते। तो आपको सैलरी बहुत थोड़ी मिलेगी। मिसल यहाँ पे जो साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स जिन्हें आप कहते हैं पाकिस्तान में, जिस तरह वो जो एथिकल हैकर्स होते हैं, उनको जॉब तकरीबन $5,000 की मिलती है, और साइबर सिक्योरिटी के इंजीनियर को जो कोड लिखता है उसको, उसकी जो सैलरी है वो $50,000-60,000 होती है। तो सेम इज द केस विद एनी अदर फील्ड। अगर आपको लीड कोड आता है तो गूगल आपको इनिशियल सैलरी देता है 3 किलो सोने के बराबर पहले साल में, तकरीबन $3 लाख। सोना तकरीबन $1 लाख किलो होता है। और अगर आपको लीड कोड नहीं आता तो फिर आप मारे मारे फिर रहेंगे, फिर आप वो कोई छोटी सी कंपनी रख लेगी और इतने पैसे देगी जिससे आपका महीने का अपना गुजर बसर भी बहुत मुश्किल से होता हो। और फिर आप सोचेंगे कि अल्लाह मैंने सारी उम्र गरीब ही रहना था। क्लियर हो गई बात? तो दिस शुड बी वेरी क्लियर टू एवरी पर्सन। जो पाकिस्तान पे कर्जा है उसकी रीजन ये है कि हमारे नौजवानों को लीड कोड नहीं होता, जो पाकिस्तान की फाइनेंशियल सिचुएशन है बेसिकली, इसकी मेन रीजन ये है। इसकी रीजन पॉलिटिशियन बिल्कुल नहीं है, इसकी रीजन एस्टेब्लिशमेंट बिल्कुल नहीं है, इसकी रीजन है कि हमें लीड कोड नहीं होता। ठीक है, और ये सारा 2-4 महीने का काम है, हमारे स्टूडेंट ये कर लें तो हमें दुनिया के किसी कंट्री से कोटा नहीं चाहिए, हमें किसी कंट्री को खुशामद करने की जरूरत नहीं है, हम खुद ही टॉप पे आ जाएंगे। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? तो अगर आपने पर्सनली फाइनेंशियली अच्छा करना है, एज अ नेशन अच्छा करना है, तो द फर्स्ट स्टेप इज द टाइपिंग एंड देन द लीड कोड, उसके बाद फिर रास्ते आसान हो जाते हैं। सही है। और ये बात याद रखें कैरियर में कि अच्छी इंग्लिश आने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, कम्युनिकेशन अच्छी होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, अच्छी पर्सनालिटी की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये वो चीजें जो गूगल खुद भी आपको सिखा लेता है 1 हफ्ते की ट्रेनिंग में। अच्छा लीड कोड आना सिर्फ रिक्वायरमेंट है, बाकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं। ठीक है, तो जो साथी आज नए आए हुए थे तो यू कैन सी माई प्रोफाइल एट लिंक्डइन। तो क्या कहते हैं, तो अगेन थैंक यू वेरी मच टू द मॉडरेटर्स। तो मॉडरेटर्स आप लोग हैं जिनसे इस कंट्री को उम्मीदें हैं, अगर इस कंट्री को कोई चेंज कर सकता है तो वो आप लोग हैं। हु आर द लीडर्स, हु आर द यंग लीडर्स, बाकी किसी के ये बस का काम ही नहीं है, तो उनसे एक्सपेक्ट करना गलत है। ठीक है, गवर्नमेंट ने जो हम एजुकेशन के साथ करना था, क्या आप लोगों के ख्याल में क्या पाकिस्तान में गवर्नमेंट एजुकेशन को बजट सही दे रही है कि नहीं दे रही? सर कुछ बिल्कुल है नहीं उसमें। जो बजट सही मिल भी रहा है वो भी तो उस तरह यूटिलाइज नहीं हो रहा है। हम लोग वो भी तो अजीबोगरीब तरीके से पाकिस्तान लगा में देते हैं। नहीं, पाकिस्तान में यूनिवर्सिटीज को मेरा ख्याल है काफी मुनासिब पैसे मिल रहे हैं। एग्जैक्टली ऐसे ही है, तो जो है यूनिवर्सिटीज परफॉर्म करने में फेल हो रही हैं। यही बात अब है कोई कोई क्योंकि क्राइटेरिया क्योंकि का आगे आप देख लें तो हमारा जो स्टूडेंट है वो इंटरनेशनल लेवल पे कम्पीट नहीं कर पाता, उसकी क्वालिटी बुरी होती है। तो हमारे प्रोफेसरों को लाखों रुपये सैलरी मिल रही है, लेकिन आउटपुट जो हमारा स्टूडेंट है वो किसी काबिल नहीं होता। वो बेचारा फ्रीलांसिंग कर रहा होता है, $10 की बिड करके सारा दिन वेट करता रहता है कि मुझे ऑर्डर आ जाए। सही, दूसरी बात डॉक्टर साहब देखें, एक अगर मैं थोड़ा सा ये बोलूंगा, एक मिथ भी तो हमारे स्टूडेंट्स के दिमाग में क्रिएट की जाती है कि देखें गूगल में जाने के लिए आपको कोई डिग्री की जरूरत थोड़ी है, आप तो वैसे भी जा सकते हैं, तो वो जो जितना उसने पढ़ना होता है ना वो भी नहीं पढ़ता सही तरीके से। नहीं गूगल में पाकिस्तान से जाता भी कोई नहीं है ना। तो नहीं पाकिस्तान से गूगल, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, इन कंपनीज का पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है। एक्सेप्शंस आर देयर, लेकिन अदरवाइज नहीं जाते। एक्सेप्शन अगर कोई
जब आपने किसी इंस्टीट्यूशन की परफॉर्मेंस देखनी होती है तो आप उसका आईआरक्यू देखते हैं, स्टैटिस्टिकल इंटर क्वार्टाइल रेंज, वो होता है। एग्जैक्टली टॉप 25% को छोड़ दें क्योंकि वो लोग वैसे अच्छे होंगे, बॉटम 25% को भी छोड़ दें क्योंकि वो लोग वैसे ही नालायक होंगे। जो मिडिल 50% है उसकी परफॉर्मेंस देखनी होती है, तो वो मिडिल 50% तो पाकिस्तान की किसी भी यूनिवर्सिटी का अच्छा नहीं, ठीक है? वो तो बेचारे नौकरी के लिए मार मारे फिर रहे होते। नहीं, वैसे अगर अगर वैसे आज के दौर में हम देखें तो हमारे जो टॉपर्स हैं उनको भी सिर्फ नंबर ही दिए जाते हैं। अगर आप, मैं बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके साथ मैं टॉपर्स के साथ भी काम किया, दे डोंट इवन नो हाउ टू राइट अ सिंगल लाइन ऑफ कोड। नहीं, उन्हें ये भी एग्जैक्टली नहीं पता ना, उन्हें ये भी नहीं पता कि कोड आना चाहिए, एग्जैक्टली राइट? तो वो जो हमारी यूनिवर्सिटीज की अवेयरनेस का मसला है कि यूनिवर्सिटी में, जब यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को ही नहीं पता कि, मतलब आप किसी यूनिवर्सिटी में जाएं उससे ये पूछ लें कि गूगल में कितने लोग हैं, पाकिस्तानी कितने हैं, तो उसे नहीं पता होगा। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। आप किसी फैकल्टी से पूछ लें कि उस फैकल्टी की दुनिया की टॉप 10 कंपनीज कौन कौन सी हैं और उसमें इंटरव्यू कैसे लेते हैं, तो वो नहीं पता होगा। बिल्कुल ऐसे ही, सही हंड्रेड है, उन्हें परसेंट ये पता होगा गवर्नमेंट जॉब्स आ रही है कि नहीं आ रही। एग्जैक्टली सही है, तो दैट इज द डिफरेंट अप्रोच, तो इसलिए हमारा स्टूडेंट जो है आउटडेटेड होता है। तो एनीवे वी आर ट्राइंग टू चेंज इट, तो इंशाल्लाह आप लोगों की मदद से हम चेंज कर सकते हैं। तो जो लोग करना चाहते हैं नाउ एटलीस्ट दे हैव अपॉर्चुनिटी। तो मुझे जिंदगी में, मैंने जहाँ पे जो मेरा गोल था वहाँ पहुँचने में 20 साल लग गए, तो आई एम ट्राइंग कि आप लोगों के 20 साल जाया ना हो। थैंक यू सर आपका, कि आपकी बातें जो है वो बहुत हमारे लिए हौसला अफजाए हैं। जिस तरह आप बोलते हैं कि आपने रोज सुबह उठ के आपने हैकेथॉन में चले जाना है, और आपने ये बातें बहुत हमारे लिए मोटिवेटिंग है। हाँ यार इसी तरह जिंदगी में आपने जितनी चीजें सीखी हैं वो सारी ऐसे सीखते हैं ना, जी सर, आप वीडियो गेम कैसे सीखते हैं, बस उसके ऊपर बैठ जाते हैं, जब फंस जाते हैं फिर देखते हैं अच्छा यहाँ से निकलना कैसे, राइट? आपने चलना कैसे सीखा था, आपने बोलना कैसे सीखा था, ऐसे सीखा था। तो क्वालिटी इज द एनिमी ऑफ सक्सेस इन लाइफ। जब आप चाहते हैं ना मैं ये काम अच्छे तरीके से करूंगा, तो इट इज अ इंडिकेशन कि आप वो काम कभी नहीं करेंगे। तो क्वालिटी खुद ही आ जाती है जब आप पार्टिसिपेट करते हैं तो, और जब पहली फ्यू टाइम्स होती हैं, इटरेशन होते हैं, उसमें आप ऑब्वियसली टेरिबली फेल हो रहे होते हैं क्योंकि उसमें लर्निंग ज्यादा हो रही होती है, तो फिर आप आस्ता आस्ता अच्छी हो जाते। सही है, तो सब लोगों को पता चलेगा कि हैकाथॉन में कैसे जाना होता है, कोडिंग कैसे सीखनी है, टाइपिंग कैसे सीखनी है, और यस डरना सर, नहीं है फेलियर से, डरे ना, ओपनली कहें मैं फेल हो गया, ओपनली कहें आई ट्राइड बट आई फेल्ड, एंड थैंक्स टू दोज हु गाइडेड मी, थैंक्स टू दोज हु वर्क विद मी। तो आप ओपनली सच बोलना शुरू हो जाएंगे, जब आप अनएक्सपेक्ट, आप अपनी वो ख्याली तस्वीर नहीं बनाएंगे जिसमें आप सबसे आगे हैं, आप पहचान लेंगे कि मैं भी एक इंसान हूँ, मैं भी फेल हो सकता हूँ, तो फिर जब आपका ये डर खत्म हो जाता है तो देन यू आर द लीडर, क्योंकि सर एक दुनिया ऐप में बनाते जो हैं जिसके मोस्टली हम लोग हैं वो लेटेस्ट फेल होते हैं। जिसका क्या चीज़? सर एक ऐप बनानी पड़ेगी जिसमें हम लिंक्डइन से बिल्कुल ऑपोजिट चले, जहां पे हर पोस्ट होती है आई एम थ्रिल्ड टू अनाउंस तो आप कहें ना आई एम यस थ्रिल्ड टू अनाउंस मैं फेल हो गया था, किसी ने मना यस थोड़ी की है। जो अब पोस्ट है, जो आप जब आप फेलियर अपना अनाउंस करते हैं तो दैट इज 100 टाइम्स मोर स्ट्रॉन्गर देन अ सक्सेस, क्योंकि सक्सेस को तो हर बंदा अनाउंस करता है, फेलियर को कोई अनाउंस नहीं करता। ऐसे ही है जब सर, आप कहें मैं फेल हो गया और मैं अगले साल फिर ट्राई करूंगा और बेहतर परफॉर्म करूंगा, तो दैट शोज द कन्विक्शन ऑफ अ पर्सन, राइट? तो लेकिन आप सब साथियों के लिए हैकाथॉन पे कभी ऐसी चीज न लगाएं जिसमें, जिससे आपका गूगल में जाने का चांस बढ़ता नहीं। मसलन आपने बीएस, आपने इंजीनियरिंग डिग्री पूरी कर ली है, बीएससी की, प्लीज लिंक्डइन पे ना लगाएं कि आपने बीएस कर लिया, कोई फायदा नहीं है उस पोस्ट का। आई एम थ्रिल्ड टू अनाउंस कि मेरा बीएस पूरा हो गया। डज इट इंक्रीज योर एम्प्लॉयबिलिटी चांसेस? इट डजंट, सो डोंट पोस्ट दीज थिंग्स। इससे पता चलता है कि बंदा बहुत ही इमेच्योर है। सिर्फ इंटरनेशनल अपनी पार्टिसिपेशन लिंक्डइन पर लगाया करें, लोकल ना लगाया करें। अच्छा सर, जैसे हम लोग कोर्सेरा वगैरह से बिलफर्ज किसी ने स्पेशलाइजेशन की, तो क्या वो सर्टिफिकेट लगा सकते हैं या वो भी ना दैट लगाएं? इज, वो भी फजूल है ना,
कोर्सेरा पढ़ने के लिए ठीक है, सर्टिफिकेट के लिए दुनिया में सबसे इम्पोर्टेंट डिग्री बीएस है। जब आपने बीएस लगा दिया तो इसके दो मतलब हैं कि चीज़ आपको आती है या जो चीज़ नहीं आती वो आप खुद सेल्फ लर्न कर सकते हैं। ओके ठीक है। ठीक है, मसलन मैं अभी इंटरव्यू देने जाऊँ तो मैं ये नहीं कह सकता कि चूंकि मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ तो मेरे से डाटाबेस के क्वेश्चन ना पूछो। राइट, दे नो कि या तो मुझे डाटाबेस आते हैं या मैं सीख लूंगा जल्दी से, दैट इज पार्ट ऑफ माई जॉब। तो ये कोर्सेरा वगैरह देखें, कोर्सेरा से चीजें इंप्रूव होनी होती तो पाकिस्तान तो चांद पे पहुंच गया होता। तो कोर्सेरा सर्टिफिकेशन इज अ इंसल्ट टू योर बीएस डिग्री। कि अगर आपने बीएस में 40 कोर्सेज पढ़े हैं उनसे आपको काम करना नहीं आया तो कोर्सेरा के दो कोर्सेज से क्या आ जाएगा भाई? क्योंकि अगर एक बंदा एआई की जॉब के लिए अप्लाई करता है तो इट इज अंडरस्टूड कि उसे एआई आती है, उसे एक कोर्सेरा का सर्टिफिकेट लगाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है एआई। बाकी इंटरव्यू में दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। डायरेक्ट मेक सेंस? तो यस कोर्सेरा के सर। सर्टिफिकेट लगा के सीवी पे जगह दायर ना किया करें, सीवी की रियल स्टेट बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, उस पर सिर्फ इंटरनेशनल चीजें लगाया करें, पार्टिसिपेशन इन हाई कॉन्फ्रेंस। मैं इस टिपिकली पूछा था कि लिंक्डइन पे उसको शो ऑफ कर सकते हैं या उस पे भी ना मैं करें। बताता हूँ, लिंक्डइन पे आप लगेंगे कि आप बचकाना और कथन कर रहे हैं। ओके ठीक है, जिस तरह आप कह दें कि मैंने आई एम थ्रिल्ड टू अनाउंस कि मैंने इंटर्नशिप कर ली है फलां जगह पे, तो ओके यार व्हाट डज इट मीन? आप टाइम जाया कर रहे हैं। तो बेसिकली जो सीनियर बंदा होगा मेरे जैसा वो थ्री डॉट्स पे कनेक्ट करेगा और बंदे को या तो अनफॉलो कर देगा या लिंक्डइन को कहेगा मुझे ऐसी पोस्ट में दोबारा दिखाना, इसने मेरा टाइम जाया किया। राइट, तो इसका ये असर होता है। सर, मेरा एक क्वेश्चन था कि लिंक्डइन पे ना वो थोड़ी सी लंबी लंबी कहानियां भी लोग लिखते हैं, वो इतनी टाइम होता है कि पढ़ने के लिए दूसरों के पास? जस्ट शॉर्ट मेन मेन पॉइंट लिखना चाहिए आई थिंक। अगर आपको लीड कोड नहीं आता तो क्या लंबी या छोटी पोस्ट मैटर करती है गूगल में जाने के लिए? अगर आपको नॉट लीड रियली। कोड नहीं आता, और अगर आपको लीड कोड आता है, आपकी टाइपिंग स्पीड 100 वर्ड पर मिनट है, आपकी 50 हैकाथॉन है, आपके 20 इंटरनेशनल अवार्ड है, तो क्या गूगल इम्पैक्ट होती है कि आपकी पोस्ट लंबी है या छोटी है? तो नो असल फिर ये क्वेश्चन आपके जहन में क्यों आया भाई? में सर, मैं कही हूँ कि वो देख रहा था ना वो पोस्ट, मैं वो अगेन वो वही क्वेश्चन कर रहा हूँ कि आप फोकस करें कि आपने गूगल में जाना ओके सर। है और सिर्फ वो क्वेश्चन पोस्ट किया करें, तो दिस इज इररिलेवेंट क्वेश्चन। ठीक है, पाकिस्तानी जो यूनिवर्सिटीज हैं, यूनिवर्सिटीज में हम इन्हीं चीजों पर फोकस करते हैं, सलाम कैसे लेनी है, राइट, बात कैसे करनी है, लेकिन असल में बंदे को काम नहीं आता होता, बाकी सारी चीजें आती हैं। तो असल काम पे फोकस करें, उसके बाद ये चीजें आइसिंग ओवर द केक, इनकी आज की दुनिया में कोई वर्थ नहीं है। मिसरान, आप कहें आप यूनिवर्सिटी की ड्रामेटिक सोसाइटी के प्रेसिडेंट रहे हैं, तो क्या गूगल में जाने का चांस इंक्रीज होता है? इस नहीं होता। आप डिबेटिंग सोसाइटी के प्रेसिडेंट रहे हैं, क्या गूगल में जाने का चांस इंक्रीज होता है? नहीं होता। गूगल में किसी भी अच्छी कंपनी में, तो इट इज इररिलेवेंट, वेस्ट ऑफ टाइम। अगर आपको लीड कोड आता है, हैकाथॉन अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, तो आप अच्छी कंपनी में चले जाएंगे, अगर वो चीजें नहीं आती तो नहीं जाएंगे। तो ये चीजें इररिलेवेंट हो गई आज की दुनिया। सो ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज की आज से 20 साल पहले जितनी इंपॉर्टेंस थी अब नहीं है। सर, एक मेरा क्वेश्चन है कि अगर हम BSCS के ग्रेजुएट नहीं हैं तो क्या, और हमें लीड कोड आता है और एक BSCS का ग्रेजुएट है, तो क्या हमें उस पे एज है अगर हम फुली फंडेड स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं और वो भी करता है? ये कैसे
पहली तो बात है कि बीएस की डिग्री तो होनी चाहिए ना हर एक के पास, या छठा सेमेस्टर किया होना चाहिए विद गुड जीपीए। जीपीए इज इम्पोर्टेंट, सर जीपीए कम सीजीपीए से अगर कम हमारा 3.4 है विद ग्रेट जीपीए है। ठीक है, तो जब आप बोलेंगे तो प्रोफेसर को लगेगा कि आप पढ़े लिखे हैं, जिसको लीड कोड नहीं आता वो फजूल है। अभी हमारे जो स्टूडेंट अप्लाई कर रहे हैं, कई कई स्टूडेंट से टीचरों ने लीड कोड का क्वेश्चन जूम के सेशन में सॉल्व करवाए हैं, जी सर। क्योंकि आइडिया तो प्रोफेसर के पास होता है, उसे इंप्लीमेंट करना होता है। इंप्लीमेंट करने के लिए लीड कोड आना चाहिए, अगर वो नहीं आता तो आप प्रोफेसर के लिए बेकार हैं। तो जब बुरा स्टूडेंट प्रोफेसर के पास जाता है, फिर प्रोफेसर को खुद काम करना पड़ता है, क्योंकि मैं अपनी कंपनी की तरफ से फंडिंग देता हूँ रिसर्च लैब्स को, तो जो प्रोफेसर रिसर्च प्रोजेक्ट पूरा नहीं करेगा उसमें नेक्स्ट टाइम फंडिंग ही नहीं दूंगा। तभी आजकल मैं एक प्रोफेसर के साथ काम कर रहा हूँ जो दुनिया के टॉप 2-3 प्रोफेसर में अपनी डोमेन, रियली रियली गुड पर्सन, तो उसका स्टूडेंट नालायक है, तो वो उसके साथ बैठ के खुद भी कोडिंग कर रहा होता, क्योंकि उसे पता है कि अगर उसने प्रोजेक्ट कंप्लीट ना किया तो नेक्स्ट टाइम उसे हमसे फंडिंग नहीं मिलेगी। ठीक है, तो प्रोफेसर के लिए इम्पोर्टेंट होती है ये चीज़। तो बाहर जो है पब्लिकेशन बाय प्रोडक्ट होता है पीएचडी का, मेन पर्पस पब्लिकेशन नहीं होता, मेन पर्पस प्रोजेक्ट करना होता है, वो रिसर्च प्रॉब्लम सॉल्व करना होता है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर मैं आपकी बात सुन रहा हूँ, और यहाँ पे जो आपने बात की रिसर्च प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है, पब्लिकेशन करनी होती है, सर इसके हवाले से मैंने आपसे कुछ गाइडलाइन लेनी थी कि हम मैथमेटिशियन किस फील्ड को सिलेक्ट करें कि हम भी अपनी पब्लिकेशन उस फील्ड में जाएं और आगे अच्छी कंपनी में हम जा सकते हैं, किस तरह की पब्लिकेशन पे हम फोकस करें। अच्छी कंपनीज में जाने के लिए पब्लिकेशन पे फोकस करने की जरूरत नहीं है। पहले आप मेरे 4 लेक्चर सुन लें, उसके बाद लीड कोड करें, हैकाथॉन करें, ये क्वेश्चन मेरे से 1 साल बाद कीजिएगा। जब आप एक ठीक साल लीड कोड पे, 1 साल आई कोड गुरु पे गुजार लें, 5-6 सेशन ठीक पढ़ा चुकी हूँ, फिर मैं आप जब आपको जवाब दूंगा ना, तो आपको इस जवाब का मतलब समझ आएगा। ठीक अभी ठीक इट इज टू अर्ली, आपको बात समझ नहीं आएगी। ठीक ठीक हो गया सर। है, बिल्कुल उसी तरह जिसना बच्चे को आप कोई कॉम्प्लिकेटेड अडल्ट बंदे वाली बात बताएं तो उसे पता नहीं चलेगी क्या कह रहे हैं। ठीक हो गया सर। सही है, तो चलें जनाब, थैंक यू वेरी मच। तो जजाकअल्लाह कि आप सब लोगों ने इतना वक्त निकाला अपने कीमती टाइम में से। आई कैन इमेजिन एवरीबॉडी इज बिजी इन टू डेज लाइफ। तो क्या कहते हैं कि लेकिन आप में से जो लोग अपनी किस्मत बदलना चाहते हैं, घर वालों की किस्मत बदलना चाहते हैं, मुल्क की किस्मत बदलना चाहते हैं, तो ये आप लोगों के बस में है, ये किसी पॉलिटिशियन के बस में नहीं है, ये किसी गवर्नमेंट के बस में नहीं है। आप लोगों को दुनिया में इस वक्त उतनी ही अपॉर्चुनिटी सक्सेस की अवेलेबल है जितनी दुनिया के किसी एडवांस कंट्री के बच्चे को या किसी अमीर घर के बच्चे को है, बिकॉज ऑफ इंटरनेट, बिकॉज ऑफ ऑल दीज फैसिलिटीज। तो इसीलिए अगर आप फेल होंगे तो वो सिर्फ आप अपने क्या कहते हैं डिसीजंस की वजह से फेल होंगे, अपनी सुस्ती की वजह से फेल होंगे, या अपनी पूर प्लानिंग की वजह से फेल होंगे। तो आपको बड़ा जोर लगाना पड़ेगा फेल होने के लिए। आज की दुनिया में सक्सेस इज वेरी इजी। तो देखिए, अगर मेरे जैसा बंदा अमेरिका के सर्वाइव कर सकता है, आप लोगों तो माशाल्लाह मेरे से सब अच्छे हैं। तो क्या कहते हैं कि आप लोगों की स्कूलिंग मेरे से अच्छी होगी, आप लोग अवेयर मेरे से ज़्यादा अच्छे हैं, तो यू कैन ऑल्सो डू इट। ठीक है जी, ओवर टू द होस्ट। थैंक यू सो मच सर, आपने हमें ज्वाइन किया और मतलब हम सब थैंक यू सो पूछना मच, थैंक चाहिए। थैंक यू सो मच सर। यू सो मच। और थैंक यू सब जी। पार्टिसिपेंट्स के लिए असाइनमेंट जो है वो हम शेयर कर देंगे, तो फिर आप लोग उसे जरूर ट्राई कीजिएगा सॉल्व करने के लिए, और जरूर हमने जो भी अभी तक कोर्स पढ़े हैं उनको प्लीज जरूर जरूर आप लोग प्रैक्टिस किया गया हमने फ्री टाइम। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़।
नो सर, ओनली स्लैक पे होगी अटेंडेंस, असाइनमेंट।